नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे भाई एंड सब लोग सेफ होंगे। विपुल सिंह प्रणाम, कुमार कौस्तव गुड इवनिंग, कुमार पेबलोन प्रणाम, पेबलोन मनुल मनुल नमस्कार गुड इवनिंग, गगन गुड इवनिंग, अविनाश गुड इवनिंग, प्रभुवन कुमार शर्मा हेलो प्रभुवन कैसे हो भाई। तो विशाल सिंह नमस्ते, विशाल नमस्ते, जोकर हेलो जोकर क्या हाल है, मुस्तफ़ा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जैसे बोलते हैं तो मैं थोड़ा सा हाँ जी चलिए। सौरभ मंडल गुड इवनिंग, कौशल गुड इवनिंग एंड प्रवीण शर्मा हेलो प्रवीण कैसे हो, विपुल अच्छा हूँ मैं थैंक यू गुड इवनिंग, अक्षय कुमार गुड इवनिंग, संतोष गुड इवनिंग, शरण गुड इवनिंग, अभिषेक नमस्ते, विकास नमस्ते, संतोष साहू अच्छा हूँ संतोष थैंक यू, सूरज गुड इवनिंग, मोरकल प्रणाम मोरकल उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे भाई एंड जय श्री राम पारस सैनी, जय श्री राम भाई, अनुराग राज अनुराग थैंक यू बट बहुत कुछ लिख देते हो आप बट एनीवे, पेक स्टोरीज हेलो विभोर, ओह विभोर क्या हाल है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और सेफ होंगे विभोर। तो विभोर इस बार आपकी रैंक बहुत अच्छी रही विभोर थैंक यू एंड अच्छा लगा यार आप लोग भी देखते हो बहुत खुशी होती है थैंक यू विभोर, उम्मीद करता हूँ सेफ हो गए। एंड विकास कुमार सिंह मैं बता दूँ विभोर जो है ये ईसी के स्टूडेंट है और इनकी रैंक जो थी इस बार अंडर 100 है और आई थिंक 75 या 79 ऐसे कुछ थी विभोर मैं भूल गया आपकी रैंक बट अच्छी रैंक थी आपकी एंड आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर आपका लेक्चर असली इंजीनियरिंग की फीलिंग लाता है सच में ग्रेट थैंक यू सूरज थैंक यू थैंक यू, विनेत गुड इवनिंग, अखिल हेलो अखिल क्या हाल है जी, विपुल सिंह सर आपको देख के पॉजिटिविटी आ जाती है थैंक यू विपुल थैंक यू, एंड मुस्तफ़ा यू आर लेजेंड ओके मुस्तफ़ा थैंक यू ओके थैंक यू, मानस थैंक यू प्रणाम मानस कैसे हो भाई, मिथिलेश कुमार फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ करेक्ट फॉर करंट, ऑब्वियसली फ्लो ऑफ चार्ज ठीक है। तो सिद्धार्थ प्रसाद गुड इवनिंग सिद्धार्थ, अंशुमन गुप्ता सी अ स्टूडेंट प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन द इन ऑन ऐप ओके, तो अंशुमन ने एक ग्रुप बनाया भाई व्हाट्सएप ग्रुप है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। साहिल धीमान साहिल बहुत बहुत मुबारक हो तुमको और साहिल की रैंक भी मैं बता दूं भाई साहिल की रैंक भी बहुत अच्छी रही थी एंड अच्छी बात है आप लोग देखते हो साहिल हैं थैंक यू साहिल ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल से थे और इनकी रैंक आई थिंक मैं फिर से भूल गया हूँ मुझे याद नहीं रहती है रैंक कि किस स्टूडेंट की कितनी थी बट अपनी याद है मुझे कि क्या थी ठीक है। साहिल वैसे कमेंट कर दोगे तो अच्छा रहेगा कितनी आई थिंक आपकी 70 कुछ रैंक थी 60 या 70 ऐसे कुछ रैंक थी चलिए अच्छा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब लोगों को नमस्कार भाई सब लोगों को उम्मीद करता हूँ सब लोग सेफ होंगे एंड मानस मकुर सर अनअकैडमी क्वेश्चन क्यों डिस्कस नहीं करते, अनअकैडमी क्वेश्चंस क्यों नहीं डिस्कस करता हूँ मैं, करता हूँ अनअकैडमी पे भी करता हूँ क्वेश्चंस बट वहाँ पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट चल रहे हैं ना तो इसलिए थ्योरी पे ज़्यादा फोकस है ठीक है। निखिल सिद्धार्थ हेलो सर हेलो निखिल थैंक यू निखिल, और सर पेड में पावर सिस्टम का कोर्स कब होगा, पावर सिस्टम का कोर्स आ चुका है पावर सिस्टम में बस जनरेशन और प्रोटेक्शन वाला जो पार्ट है वो अपडेट होना है तो जब मैं वो पढ़ाऊँगा तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। सर आपकी वजह से फ्लुएंसी मेंटेन है ओके ओके मोरकल थैंक यू मोरकल पढ़ते रहो और इसको अपना मेंटेन रखो ठीक है ना। चलिए साहिल धीमान 60 रैंक ओके साहिल हाँ 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 मुझे पता है साहिल मेरे क्लासरूम स्टूडेंट थे थैंक यू साहिल आप देख रहे हो बहुत अच्छा लगा यार ठीक है। सर ESC एंड गेट साइमल्टेनियस प्रिपरेशन के लिए गाइड कर दो, कॉमन टॉपिक तो हैं पहले तो उनको अच्छे से करो एंड जो कॉमन चीज़ें हैं उनको अच्छे से तैयार करो उनको तो एटलीस्ट करो पहले उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको तैयार करना। अल्फा स्टार सर वो ए पीरियोडिक सिग्नल का पीरियड इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है वो करते हैं हाँ उसको स्टार्ट करते हैं अभी मैं बताता हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला, मुझे लगता है कि काफ़ी आपसे मुलाकात हो गई तो अपना मुद्दे की बात करते हैं और कुछ टॉपिक्स जो हैं जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं उनको ज़रा मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ
तो मैं आपको बता दूं, आज मुझे थोड़ा सा क्वेश्चंस को सोल्व करने का समय कम मिला है, तो दो तीन क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए, बस ज़्यादा नहीं कर पाया, बट मैं सोल्व सारे ही करूँगा। अभी डिस्कस हम सारे क्वेश्चंस करेंगे जो अभी तक मुझसे पूछे आपने, बट मैं ज़्यादा सोल्व नहीं कर पाया उनको, तो कोई बात नहीं, हम लाइव पे ऑन द स्पॉट सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि आपने शायद सिग्नल की डीपी भी पहली देखी होगी, तो उसमें मैं ब्लैक स्क्रीन पे आ गया हूँ, ठीक है, मतलब ब्लैक स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड से, व्हाइट पेन से हम लोग लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा और थोड़े से ओल्ड डेज याद आए होंगे आपको, जो ब्लैक बोर्ड पे हम स्कूल में पढ़ते थे, तो मुझे लगता है वैसी सी कुछ फीलिंग आ रही है। एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया, ठीक है। अनिंद्या शर्मा, सर आप में फिर से डिस्काउंट कब मिलेगा? डिस्काउंट अब नहीं मिलेगा जी, अब पूरे साल हम लोग डिस्काउंट नहीं देंगे, मैंने पहले बताया था। कुछ कुछ चीज़ें बस थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि प्राइसेस थोड़े मोड़े अप डाउन होते रहते हैं ज़रूरत को देखते हुए, तो ऐसा हो सकता है, बाकी कुछ खासा इतना बड़ा डिस्काउंट तो हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। तो आप ले सकते हो उस प्राइसेस पे जो अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और आज अगेन ब्लैक स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो साथ साथ आपने पूछे हैं उनको डिस्कस करता हूँ पहले, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस हैं जिसमें मैंने होमवर्क आपको दिया था, उसको मैं चाह रहा हूँ कि डिस्कस करूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, और एक क्वेश्चन जो है जो पावर का क्वेश्चन था जिसमें रजिस्टेंस मैंने लगा रखे थे, जो डीपीपी नंबर 3 में आपको मैंने दिया है, सिग्नल डीपीपी नंबर 3 में उसको मैंने बताया है, तो वो क्वेश्चन एक बार आप देखिएगा कि वो कैसे करना है। तो मैं लेकिन उसको डिस्कस कर देता हूँ एक बार, ठीक है। एक सिग्नल के दो तीन क्वेश्चंस थे, मैं चाह रहा हूँ आप एक बार उनको डिस्कस करें। जैसे देखिए, एक मान लीजिए इंटीग्रेशन, मैं थोड़ा सा वाइट लेता हूँ इसको, हाँ जी, देखिएगा अगर हो, हाँ जी, अब जरा देखिए। तो मान लीजिए, मैं बोलूँ कि एक मेरे पास सिग्नल है माइनस, मेरे पास एक मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन दे रखा है, एफ टी इंटू डेल्टा प्राइम टी डी टी, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो इसका क्या आंसर होगा? एक क्वेश्चन मैंने इस तरह का दिया था आपको, है ना। अच्छा, जरूरी नहीं है, अगर मैं जनरलाइज केस में देखूं, ये मैंने क्लासरूम में आई थिंक वीडियोस में आपने देखा होगा, अगर एनथ डेरिवेटिव आ जाए यहां पे, तब क्या आंसर होगा, तब इसकी क्या वैल्यू होगी? अगर ये पता है तो ये भी पता है डायरेक्टली, वैसे ये तो मैं बाई पार्ट से भी कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। कैसे? जरा देखिए, इसको इसको इंटीग्रेट करना आसान है, ठीक है, तो इसलिए इसको सेकंड फंक्शन मानिए, बिकॉज सेकंड फंक्शन वो होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में जिसको इंटीग्रेट करना आसान होता है, और इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए। तो आप बताओ, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज सच सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये डेल्टा टी हो जाएगा, और लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यही बनेगा। अभी बोलिए, मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब बताइए, इसकी जो वैल्यू आएगी, ये प्रोडक्ट जो है ये टी इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू देखोगे तो वो जीरो आएगी। इसका जो प्रोडक्ट है वो आपका जीरो पे एग्जिस्ट करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू देखोगे तो वो जीरो आएगी। अच्छा, ये वैल्यू जरा देखिए, ये क्या बनेगा? इस पे तो फॉर्मूला लग जाएगा आपका, वो इंटीग्रेशन का जो इंपल्स फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट लग जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? माइनस ऑफ एफ प्राइम जीरो, क्योंकि टी की वैल्यू जीरो पुट हो जाएगी इसके अंदर, माइनस पहले से ही बाहर है, तो ये इसका आंसर आएगा, इसका मतलब इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ एफ प्राइम जीरो, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब ये क्या होगा, इसका मैंने प्रूफ बताया भाई लेक्चर में, तो ये बनेगा माइनस वन की पावर एन और एनथ डेरिवेटिव ऑफ एफ और उसकी वैल्यू जीरो पे, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगर ये याद है तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आप इसे फास्ट हो सकते हो, जरूरी तो नहीं है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ही आए, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था वो ऐसा कुछ था, साइन टी इंटू डेल्टा प्राइम टी डी टी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ था, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी थी, तो बताइए क्या बनेगा? ये मेरा एफ टी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? साइन टी का डेरिवेटिव होता है कोस टी, तो माइनस एक बाहर आ गया, और इसका डेरिवेटिव बनेगा कोस टी, और टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, वन,
तो आंसर इज माइनस वन। तो लास्ट टाइम ये मैंने आपको एक होमवर्क दिया था भाई, उम्मीद है आपने कर लिया होगा भैया, ठीक है। बोलिए भाई, किसी को दिक्कत है तो बताइए। ओके हाँ जी बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ जी माइनस वन इज करेक्ट, विकास कुमार सिंह माइनस वन। ओके अनिल कुमार ने भी किया है ये, विकास कुमार माइनस वन, ठीक है भाई माइनस वन आएगा। स्क्वायर ऑफ डिफरेंशिएशन, हाँ, ठीक है ये आपने सही लिखा है भाई। शरण कुमार ने भी सही इसका इसका आंसर दिया है, बट आप एक बार ज़रा देखिए इसका प्रूफ भी देखिएगा, इसका प्रूफ मैंने करवाया भी, इसको सोल्व करवाया, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आएगा माइनस वन, जो लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था, एक और क्वेश्चन दिया था, ठीक है उसको भी ज़रा देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये बोल दूँ साइन पाई टी बाई पाई टी डी टी, इसका एरिया क्या बनेगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू बताइए भाई क्या बनेगी, आप बता सकते हो क्या इसका एरिया बताइए। बोलिए भाई क्या बनेगा, पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, मैं एक और क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ आपको, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये डीपीपी में भी दिया है मैंने आपको, ठीक है। तो आप बताइए इसका एरिया क्या बनेगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सिंक फंक्शन है ये बेसिकली, साइन पाई टी बाई पाई टी डी टी। बोलिए भाई क्या बनेगा इसका एरिया, बताएं जल्दी करें, बोलिए क्या बनेगा, बोलो यार जल्दी बोलो, क्या हुआ रिप्लाई नहीं कर रहे हो भाई, आवाज सुनाई दे रहा ना। 2 पाई, ओके 2 पाई, ठीक है और बताओ भाई इसका क्या आंसर आएगा, 2 पाई आएगा क्या, या पाई आएगा, या पाई बाय 2 आएगा, 1 नहीं इसका 1, इसका 1 आएगा क्या, चलिए जरा देखते हैं। देखिए भाई सुनिए, देखिए देखते हैं क्या बनेगा, इसको अगर मैं प्लॉट करके देखूं तो कुछ इस तरह का बनेगा, t इक्वल टू जीरो पे अगर देखोगे तो t इक्वल टू जीरो पे अगर आप इसको करोगे तो मेरे ख्याल से ये ग्राफ तो इस तरह का बनेगा, इसका अगर प्लॉट करोगे तो इस तरह का बनेगा। t इक्वल टू जीरो पे देखिए क्या बनेगा, t इक्वल टू जीरो पे 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो एलोपिटल रूल लगाओगे तो नीचे आ जाएगा पाई, ऊपर आ जाएगा कोस ऑफ पाई टी इंटू पाई, ठीक है कोस ऑफ पाई टी इंटू पाई, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है ना, ठीक है। तो फिर टी की वैल्यू जब जीरो पुट करोगे तो मेरे ख्याल से ये हाइट जो है ये 1 बनेगी, और ये जो है ये भी 1 बनेगा, क्योंकि देखो जीरो कहाँ पे होगा, ये जब न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, न्यूमरेटर कहाँ कहाँ जीरो होगा, टी इक्वल टू 1 पे, टी इक्वल टू 2 पे, टी इक्वल टू 3 पे, टी इक्वल टू 4 पे, इस तरह से जीरो बनेगा, करेक्ट। अब मुझे इसका एरिया चाहिए फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या आप ये इससे ये मिला दो और ये इस ट्रेंगल का एरिया निकाल दो, बस ये एरिया जो होगा वो जीरो से इन्फिनिटी तक का आएगा, अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूछा है तो ये एरिया और जोड़ दो इसमें। तो आप बोलिए भाई टोटल एरिया क्या बनेगा, इस ट्रेंगल का एरिया क्या बनेगा, इस ट्रेंगल का एरिया बनेगा 1/2 इंटू दिस लेंथ 1 इंटू दिस हाइट 1, इसका बनेगा 1/2, ये बनेगा 1/2 इस ट्रेंगल का, तो पूरे का क्या बनेगा, पूरे का 1/2 इधर का, 1/2 इधर का, तो आप बताओ इसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा, इसका आंसर आएगा 1, करेक्ट। बोलिए कोई दिक्कत है तो, यहां तक कोई परेशानी कोई दिक्कत पूछिए भाई, आंसर इज 1। अब अगर मान लीजिए मैं इसका स्क्वायर कर दूं, सोचिए साइन ऑफ पाई टी अपॉन पाई टी इसका स्क्वायर कर दूं और डी टी कर दूं, और फिर मैं आपसे पूछूं बताओ क्या बनेगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसकी वाली बताइए भाई क्या बनेगी, बोलिए इसकी वाली बताइए क्या बनेगी। हाँ जी ओके, आप पारस से नहीं कह रहे हैं सर, आज नेट ही नहीं चल रहा है, ओके तो 144p में भी नहीं चला पा रहे, ओके मे बी दिक्कत होगी नेट की, ठीक है तो कुछ नहीं कर सकते यार उसमें, क्या कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए भाई जरा देखिए, ओके स्क्वायर करने से बताइए क्या आएगा, स्क्वायर करने से क्या बनेगा, स्क्वायर करने से भी आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है सेम आएगा, 1 ही आएगा, इससे भी 1 आएगा भाई, एक बार चेक कर लीजिए इससे 1 आ रहा है क्या, बोलिए भाई आगे वाला एरिया ऐड नहीं होगा, जितना ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये कैंसिल आउट होता चला जाएगा, ये डायरेक्ट वे मैंने बताया था आपको ध्यान रखने का, ठीक है इसे मैथ्स लगा सकते हो। इसका स्क्वायर करने पे क्या बनेगा बताइए, स्क्वायर करने पे आप प्रूव कर सकते हो क्या कि 1 आएगा, क्या स्क्वायर करने पे आप प्रूव कर सकते हो कि 1 आएगा, चलिए जरा प्रूव करते हैं। इसको 2-3 तरीके से हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, इसको मैं कॉन्वोल्यूशन से भी निकाल सकता हूँ,
इसको मैं फोर ईयर ट्रांसफॉर्म से भी निकाल सकता हूँ और इसको मैं डायरेक्ट मैथमेटिक्स लगा के भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक बार जरा समझते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इसके बेसिस पे जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने एनर्जी पूछी थी कि सिग्नल की एनर्जी बताओ क्या आएगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट टाइम, उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। लेकिन जरा देखिए इसके स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी वो जरा देखते हैं। तो मैं इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कैसे देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आप फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी कर सकते हो इसको, पाई टी इंटू साइन ऑफ पाई टी अपॉन पाई टी डी टी, इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, बोलिए सही बात है। अब सुनिए मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन ऑफ पाई टाउ डिवाइड बाई पाई टाउ इंटू साइन ऑफ पाई टी माइनस टाउ डिवाइड बाई पाई टी माइनस टाउ डी टाउ, बोलिए भाई। एंड टी की वैल्यू क्या पुट कर दो इसमें, जीरो, एक ही बात है ना, बोलिए। ये पाई टाउ लिख दिया, यहाँ पे टी माइनस टाउ लिख दिया और टी की वैल्यू जीरो पुट करके देखो, ये यही बन जाएगा। एक बार चेक कर लो भाई, ये स्टेप समझ आएगा आपको, पहले ये बताओ कि ये स्टेप आपको समझ आएगा। आंसर तो सेम है बट कैसे करेंगे, ठीक है। बी रेडी, बी रेडी, बी रेडी ने पूछा है मुझसे सर वेयर टू बाई कोर्सेस, उसके लिए आप ऐसा करें जब ये मेरी क्लास खत्म हो जाए तो जो मेरा नंबर है 7508211721 जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी भाई, ओके। तो आप एक बार देखिए क्या इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे देखो अगर आप टी की वैल्यू इसमें जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे बनेगा साइन ऑफ पाई टाउ डिवाइड बाई पाई टाउ, और यहाँ पे भी साइन पाई टाउ बाई पाई टाउ, टाउ की जगह टी लिख दो, एक ही बात है ना। तो मतलब इस सिग्नल को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और जरा ध्यान से देखिए ये जो है और ये जो है इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई टी बाई पाई टी कॉन्वल्यूशन साइन पाई टी बाई पाई टी, बोलिए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, करेक्ट है। इसको मैं कॉन्वोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ भाई, है ना। अब बताओ इसकी वैल्यू कैसे निकालें, मतलब ये जो चीज है दिस इज इक्वल टू दिस, और टी की वैल्यू क्या पुट करनी है बाद में, जीरो, टी की वैल्यू जीरो, उस पर निकालना है। तो इसकी कौन, अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता होगा, इसका भी फोरियर पता होगा, आगे नहीं पता तो आगे सीख जाओगे आप, ठीक है, और उससे आप इसकी वैल्यू सोल्व कर सकते हो, कहने का मतलब यह है। बट आप बोलोगे सर हमने फोर ईयर पढ़ाई नहीं है तो अभी हम कैसे सोल्व करें, तो इसलिए हम फोर ईयर से नहीं करते, फिर सिंपल मैथमेटिक्स से करेंगे फिर हम, ठीक है। पहले ये बताइए ये मेथड आपको समझ आएगा, ये आप देखना आगे कर पाओगे, फोर ईयर से आप इसको कर पाओगे, आप इजिली आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो अब जरा देखिए अगर मुझे फोर ईयर से नहीं करना है, इसको मुझे मैथमेटिक्स लगाना है और सिंपल मैथ से मैं इसको सोल्व करना चाह रहा हूँ, तो वो मेथड क्या होगा, उससे हम कैसे इसको सोल्व करेंगे वो जरा देखिए दोस्तों। तो जरा देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ मैं, साइन ऑफ पाई टी बाई पाई टी और इसका स्क्वायर है डी टी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मैं इस तरह से इसको लिख रहा हूँ। अब बताइए पाई टी को मैं पी पुट कर रहा हूँ तो यहां से डी टी क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा डी पी अपॉन पाई, सही है। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन ऑफ पी डिवाइड बाई पी, साइन ऑफ पी डिवाइड बाई पी, ठीक है, और डी टी की जगह पे आ जाएगा डी पी अपॉन पाई और फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, बोलिए भाई एक बार देख लीजिए कोई दिक्कत है यहां तक, पूछे भाई। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, नीचे पी आ गया, ऊपर यहाँ पे भी पाई टी की जगह पी आ गया, डी टी की जगह डी पी बाई पाई आ गया, और इंटीग्रेशन जब टी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी तो पी भी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी होगी तो टी भी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, इस तरह से। और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर सकते हैं, ये बनेगा साइन स्क्वायर पी इंटू वन अपॉन पी स्क्वायर डी पी और बाहर वन अपॉन पाई आ जाएगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सही है भाई। अब चलिए जरा इसको जरा सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज सच सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करना इसका आसान है भाई, ठीक है ना। तो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको सेकेंड मान लेता हूँ, तो फर्स्ट वन अपॉन पाई मेरा बाहर आ गया, फर्स्ट फंक्शन एज सच सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, बोलिए वन बाई पी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वन बाई पी का इंटीग्रेशन बोलिए भाई, माइनस वन बाई पी आएगा क्या, बोलो
और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये बनेगी ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ऐसा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है टू साइन पी इंटू कॉस पी, इसका मतलब साइन डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे पी आ जाएगा और ये प्लस बन जाएगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी पी, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों डी पी। बोलिए भाई कोई दिक्कत है तो। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं प्लस इन्फिनिटी पुट करूंगा तब भी ये जीरो बन जाएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर इन्फिनिटी बनेगा और साइन की वैल्यू इन्फिनिटी पे कुछ फाइनेट होगी, माइनस वन या वन के अंदर ही होगी, न्यूमरेटर तो फाइनेट आएगा, डिनोमिनेटर इनफाइनेट बनेगा जब इन्फिनिटी वैल्यू पुट करोगे तो। अपर लिमिट जीरो, लोअर लिमिट करोगे तब भी ये जीरो बनेगा, तो इसका क्या बना, वन बाई पाई इंटीग्रेशन, बोलिए इंटीग्रेशन में क्या आएगा, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये क्या बनेगा साइन टू पी बाई, साइन टू पी बाई पी डी पी। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो एक काम कर देते हैं, टू से डिवाइड कर देते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टू पी को एक्स मान लेता हूँ, तो क्या बन गया, टू पी को अगर मैं एक्स मान लूँ तो डी पी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा डी एक्स बाई टू, तो इंटीग्रेशन टू बाई पाई मेरे पास बाहर आ गया। पी की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी करोगे तो एक्स भी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, पी की वैल्यू जब प्लस इन्फिनिटी करोगे तो एक्स भी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, और डी पी की जगह पे क्या आ गया डी एक्स बाई टू, और ये टू से टू कट गया, बताओ वन बाई पाई यहाँ पे आ गया, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स। अब क्वेश्चन ये है इसकी क्या वैल्यू आएगी, साइन एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स बाई एक्स का अगर आप एरिया निकाल रहे हो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वो क्या बनेगा बताइए भाई, बोलिए साइन एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या बनेगी बताइए, वन बाई पाई यहाँ पे बाहर है, बोलिए कैसे करोगे, निकालो भाई इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, बताइए क्या बनेगा, इसकी वैल्यू बताइए वन बाई पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन एक्स, साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स, साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स, बोलिए भाई क्या बना इसका, इसकी वैल्यू आएगी पाई, इसकी वैल्यू पाई आएगी, ये जो एरिया वाला जो मेथड था ये वही मेथड है, मतलब साइन एक्स बाई एक्स को प्लॉट कर लो एक बार, इस तरह का आएगा जीरो, यहां पे आएगा पाई बाई टू, नहीं यहां पे आएगा पाई, माफ कीजिएगा पाई बाई टू नहीं आएगा, यहां पे आएगा पाई, ये पाई बनेगा भाई ठीक है ना, और ये बनेगा टू पाई और ये हाइट बनेगी वन, साइन एक्स बाई एक्स को प्लॉट किया है तो इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो इस ट्रेंगल का एरिया निकाल दो, इस ट्रेंगल का एरिया पाई बाई टू बनेगा, तो जीरो से इन्फिनिटी एरिया पाई बाई टू आएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करोगे तो ये एरिया और इंक्लूड हो जाएगा, इसका मतलब कितना बन जाएगा पाई बाई टू और ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा इसका एरिया पाई और नीचे पाई ये है, तो आंसर इज वन ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो भी क्या बनेगी, वो भी आपकी वन आएगी। पहले ये बताइए समझ आया क्या, बोलिए भाई, ये वीडियो बीच बीच में रुक रहा है, थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है भाई ठीक है, तो उसके लिए माफ करें ठीक है ना, बोलिए भाई बात बनी क्या, आंसर वन आएगा भैया, आंसर वन आएगा, बोलिए बोलिए ठीक है, ये वीडियो थोड़ा रुक रहा है भाई, थोड़ा ना बीच बीच में ब्लिंक हो रहा है ठीक है, तो ये शायद कोई इश्यू आ गया, कोई टेक्निकल इश्यू है, और ये कल भी ये इश्यू आ रहा था जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था एक वीडियो ठीक है। तो अब सुनिए, मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसमें एनर्जी पूछी थी आपसे, और एनर्जी किसकी पूछी थी जरा देखिए, एफ टी इक्वल टू साइन ऑफ पाई टी अपॉन फाइव टी, आई थिंक ये था, इसकी एनर्जी आपसे पूछी थी, तो मेरे ख्याल से अब आप इसको निकाल सकते हो ठीक है, कैसे करोगे, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से डिवाइड कर दो, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था क्या, बताओ भाई पहले तो ये बताओ, पाई से नीचे डिवाइड कर दिया, पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया पाई बाई फाइव साइन ऑफ पाई टी अपॉन पाई टी, कुछ इस तरह का बन गया। अब मुझे इसकी एनर्जी बतानी है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पाई स्क्वायर बाई 25, ये मेरे पास बाहर आ गया, अंदर क्या है साइन पाई टी अपॉन पाई टी, इसका क्या हो गया स्क्वायर डी टी, ये इसकी एनर्जी हो जाएगी दोस्तों ठीक है, एक बार देख लीजिए कोई मिस्टेक ना होगी हो, बोलिए इसकी एनर्जी बताइए। हेलो नेहा निहारिका, क्या हाल है जी, बताइए
तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर बाई 25 तो यहाँ पे आ गया, और ये इसका स्क्वायर डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए ना इसकी क्या वैल्यू निकलेगी, बोलिए भाई इसकी क्या वैल्यू आएगी, एनर्जी बताओ इसमें क्या बनेगी। इसकी वैल्यू तो अभी अभी कैलकुलेट की हमने, देखो ना 1, तो क्या बनेगा पाई स्क्वायर बाई 25, दिस इज एनर्जी ऑफ द सिग्नल, पाई स्क्वायर बाई 25 जूल, ठीक है। बोलिए भाई। हाँ जी बोलिए सर, इसकी एनर्जी का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? एनर्जी का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है विभांशु भारद्वाज? देखिए ठीक है, 0.39 आ गया भाई। एनर्जी का मीनिंग क्या होता है और पावर का मीनिंग क्या होता है, सिग्नल की पावर का क्या मतलब होता है? देखिए प्रैक्टिकली अगर मैं समझाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये टर्म होती है सिग्नल की पावर या सिग्नल की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी नहीं, सिग्नल की एनर्जी या पावर क्या होती है, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई FT सिग्नल है, अगर देखा जाए तो नेटवर्क थ्योरी में हमने पढ़ा है कि पावर जो होती है वो होती है वोल्टेज इंटू करंट। अब अगर एक ही सिग्नल है, सोचिए वोल्टेज सिग्नल है या करंट सिग्नल है, और आपसे कोई पूछे बताओ इसकी पावर क्या है, तो देखा जाए तो उस पावर का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज पावर के लिए दो टर्म चाहिए, दो सिग्नल चाहिए, एक चाहिए करंट और एक चाहिए वोल्टेज। लेकिन आपको कोई और आपसे पूछा जाता बताओ इसमें पावर क्या आएगी या इसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है, तो वो क्या, उसका क्या मतलब बनता है फिर? अगर एक सिग्नल है तो आप इस सिग्नल को या तो वोल्टेज मान लो या फिर इसको करंट मान लो, और इसको देखो तो 1 ओम को कितनी पावर देगा ये, अगर चाहे तो इस सिग्नल को वोल्टेज मान लो चाहे करंट मान लो, तो कितनी पावर ये 1 ओम को देगा, वो जो चीज है उसको हम सिग्नल की पावर बोल देते हैं। तो बेसिकली ये सिग्नल को देखने का एक रेफरेंस है, एक तरीके से सिग्नल को कंपेयर करने का एक मेथड होता है कि सिग्नल में एनर्जी क्या है या सिग्नल की पावर क्या है। तो अगर इस सिग्नल को, तो इसके अक्रॉस जो पावर आएगी वो आएगी VT की RMS का स्क्वायर अपॉन 1, या फिर करंट मान लूंगा तो ये बनेगा IT RMS का स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। इसका मतलब दोनों केस में RMS वैल्यू का स्क्वायर हो रखा है, इसीलिए हम पावर को क्या बोलते हैं, पावर जो होती है वो RMS वैल्यू का स्क्वायर होती है, ठीक है। तो सिग्नल की पावर का ये मतलब होता है, और कोई मतलब नहीं होता सिग्नल पावर का, ठीक है। पहले बात तो ये पॉइंट को क्लियर कीजिए कि सिग्नल पावर का क्या मतलब होता है। अब बोलोगे एनर्जी का क्या मतलब होता है, एनर्जी होती है कि कितनी, उसमें टाइम और इंक्लूड हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाता है कि भाई इतने टाइम में कितनी ये, जैसे मान लीजिए कोई पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको लिमिट कर दूं कि बस वो पीरियोडिक सिग्नल यहां तक है बस, तो यहां तक वो कितनी एनर्जी देगा, कितनी एनर्जी सामने वाले को या जो भी नेटवर्क होगा उसको कितनी एनर्जी देगा, तो वो टाइम से मल्टीप्लाई हो जाता है, उससे क्या बन जाती है एनर्जी। तो इसलिए एनर्जी हमेशा फाइनाइट टाइम में देखी जाती है, जो भी फाइनाइट लेंथ सिग्नल होते हैं वो एनर्जी सिग्नल होते हैं, ठीक है, वो आपको एनर्जी देंगे, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए कि एनर्जी का क्या मतलब है, एनर्जी हम कैसे देखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आया भी एनर्जी का कंसेप्ट। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा, मेरा ये चार्जिंग पोर्ट जो है ये थोड़ा मुझे परेशान कर रहा है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ओ ये तो दिक्कत होगी भाई, एक मिनट रुकिए भाई, आई थिंक एक मिनट वेट कीजिए, मैं अपना चार्जिंग पॉइंट थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी अभी ठीक है। चलिए तो मैंने आपको बताया कि एनर्जी और पावर का क्या मतलब होता है, और एनर्जी सिग्नल या पावर सिग्नल क्या होते हैं, ठीक है। हाँ अब एक दो डाउट हो रहे हैं, सर वी नीड नेटवर्क थ्योरी एंड अदर नोट्स प्लीज़। नोट्स आप स्टूडेंट से डिमांड कर सकते हो, जिन लोगों ने लेक्चर लगाए हैं और जिन्होंने नोट्स बनाए हैं उनसे आप ले सकते हो भी नोट्स। सर सिंक फंक्शन की एनर्जी ट्रायंगल के एरिया के बराबर कैसे आती है, इसके बारे में एक बार और क्लियर कीजिए प्लीज़। अभिषेक खैती ने मुझसे पूछा है, अभिषेक मैं आपको बता दूं, ये जो आप मुझसे पूछ रहे हो ये तो मैथमेटिकल एनालिसिस है कि इसका जो एरिया है वो आपका देखो क्या है, जो इसका एरिया था, जो इसका एरिया था वो 1 था, मतलब ये डायरेक्ट याद करने का मेथड है, मतलब ये कोई फिक्स ऐसे नहीं है कि ट्रायंगल के बराबर, ये ट्रायंगल तो मैंने बस आपको याद रहे इसलिए बता दिया, शॉर्टकट बताया, ठीक है। असल में तो आपको इसको सोल्व करने के लिए पूरा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, और उससे आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू 1 कैसे, ये तो याद रखने का तरीका है भाई कि इससे 1 बनेगा, इसको दिल पे मत लीजिए, ठीक है। ये तो जस्ट आपको सो दैट ज़्यादा दिन याद रहे इसलिए मैंने ये बताया, और कोई रीज़न नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन मैंने इसका मीनिंग समझा दिया कि एनर्जी पावर क्या होती है और एनर्जी क्या चीज़ होती है। अब
जो आपके एनर्जी सिग्नल होते हैं उनमें एनर्जी फाइनाइट होती है, पावर जीरो होती है। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, बिकॉज सोचिए अगर किसी कोई एनर्जी सिग्नल में अगर मैं ये बोलूं कि पावर जो है एनर्जी सिग्नल की वो भी फाइनाइट आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? एनर्जी फाइनाइट केवल तभी बनती है, एनर्जी फाइनाइट केवल, जैसे ये सिग्नल है ये इसी टाइम तक है, एनर्जी फाइनाइट केवल तभी बनती है जब पावर जीरो हो। पावर जीरो होगी तभी फाइनाइट एनर्जी बनेगी, ठीक है। जैसे ये सिग्नल है अगर ये पीरियोडिक होता, सोचिए इनफाइनाइट तक होता तो उसमें फाइनाइट पावर होती, अगर ये पीरियोडिक सिग्नल होता तो इसमें फाइनाइट पावर होती, ठीक है। अब सोचिए इनफाइनाइट लेंथ में फाइनाइट पावर है तो फाइनाइट लेंथ में कितनी पावर होगी फिर? इनफाइनाइट लेंथ में पावर मेरी फाइनाइट है तो फाइनाइट लेंथ में क्या होगी? जैसे वन लेंथ ले लो, टू लेंथ ले लो, तो वो डिवाइड हो जाएगा ना इन्फिनिटी, ठीक है, जीरो बनेगी, ठीक है। तो फाइनाइट लेंथ वाले सिग्नल में पावर हम क्या लेते हैं? जीरो, क्योंकि फाइनाइट लेंथ सिग्नल एनर्जी सिग्नल बन जाते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है भाई। चलिए, वी कैन सॉल्व बाय ड्यूअलिटी। हाँ, वो वाला ड्यूअलिटी लगा के कर सकते थे आप, जो मैंने ये बताया ना कॉन्वोल्यूशन वाला जो मेथड था, इसको आप ड्यूअलिटी से भी कर सकते हो भाई, क्योंकि जो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे वो उसमें ड्यूअलिटी ही लगानी पड़ेगी आपको, उससे ही होगा, ठीक है ना। सर एसी करंट में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, प्लीज एक्सप्लेन ऑल एसी फंडा। तो ये आपने बिल्कुल ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया अभी कि एसी में करंट कैसे फ्लो करता है ऑल्टरनेटिंग में। तो करंट इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि पूरा रास्ता चक्कर लगाता है और फिर पूरा रास्ता उधर चक्कर लगाता है, इस तरह का कंसेप्ट नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये खैर लंबा टॉपिक है तो आज का टॉपिक नहीं हो सकता। ये जॉनसन ने मुझसे पूछा है, नहीं जॉनसन ने नहीं, ये पूछा है इरफान अली ने। आप मुझसे ये डाउट पोस्ट कर दीजिए, मैं आपको पूरा फंडा इसका समझा दूंगा, बट ये लंबा कंसेप्ट है इसका, ठीक है ना। बस आप ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन इधर इधर फ्लो करते हैं बट पूरी तरह से नहीं होता उसमें, ठीक है। फिनोमेना पूरा नहीं होता कि पूरा यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, जॉनसन एनर्जी सिग्नल की स्ट्रेंथ बताएगी, एनर्जी सिग्नल की स्ट्रेंथ बताएगी ताकि ये ट्रांसमिट करने में कितना डिस्टॉर्शन नॉइस होगा रिसीविंग एंड पे। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? एनर्जी सिग्नल की स्ट्रेंथ बताएगी, मेरे हिसाब से नहीं, जरूरी नहीं है। मतलब मैं समझा नहीं आप किस तरह रिलेट कर रहे हो इस चीज़ को एग्जैक्टली, मुझे इसके बारे में पता नहीं कि आप कैसे रिलेट कर रहे हो इस चीज़ को, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। आप थोड़ा और इलेबरेट करें सो देट मैं आपको समझा सकूँ कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी सर, अगर साइन टी बाई टी लिमिट डिफरेंट है तो फिर कैसे करेंगे, लाइक माइनस टू टू सिक्स? अब मुश्किल हो जाएगा भाई, ऐसे हर चीज़ को आप मुश्किल बना सकते हो। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। साइन टी बाई टी डी टी फ्रॉम माइनस टू टू मे बी सिक्स तक अगर आप करोगे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। द थिंग इज वो आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पे नहीं बनेंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप मैथ्स नहीं लगा सकते हो इसके ऊपर, ऑब्वियसली लगा सकते हो, बट ऐसे अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं इस तरह की, तो ऐसे तो कुछ भी क्वेश्चन बना लोगे, बट जरूरत ही नहीं है। तो जो रास्ता दिखाया गया उसी को देखिए ना एक बार, मतलब जो इसकी रिक्वायरमेंट है ऐसे मैथ्स, क्योंकि सिग्नल में जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही होगी। सर मैथ्स को आप कितना भी डिफिकल्ट बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है अभी, आप पॉइंट को समझिए। सर आई एम फ्रॉम हैदराबाद, हाउ टू गेट नोट्स फ्रॉम स्टूडेंट? आप डिमांड कर लीजिए स्टूडेंट से, मांग लीजिए भी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से इन ऐसे क्वेश्चंस को जो होमवर्क मैंने दिया था उसको हम सोल्व करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपने दोनों क्वेश्चन सोल्व कर दिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपके मैं डाउट ले रहा हूँ, ठीक है, जो आपने मुझे ग्रुप पे जो डाउट पोस्ट किए थे। एक क्वेश्चन था, किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था ग्रुप पे, मतलब आपने जो डाउट पोर्टल है, 4e की पावर माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t डेल्टा ऑफ कॉस t इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसको आप निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसका रीजन है, आप बोलोगे कॉस ऑफ डेल्टा टी, इसको तो चलो आप प्लॉट कर लोगे, जहाँ जहाँ ये अंदर वाला जीरो होगा वहाँ पे इम्पल्स आ जाएगा, ठीक है। और ये अंदर वाला जीरो कहाँ कहाँ होगा बताओ जरा, अंदर वाला जो जीरो होगा, क्योंकि देखो ना डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे अंदर वाला फंक्शन जीरो हो जाए, इसका मतलब टी इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट करेगा ये, तो इसका मतलब ये कॉस टी इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट करेगा। तो कॉस टी जीरो कहाँ पे होता है? पाई बाय टू पे, थ्री पाई बाय टू पे, फाइव पाई बाय टू पे, और ऐसे ही माइनस में आएगा, माइनस पाई बाय टू, माइनस थ्री पाई बाय टू, इन सब पे आपका एक इम्पल्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये इस तरह एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ये कई सारे, ये तो देखा जाए तो एक इम्पल्स ट्रेन है, ठीक है ना, ये इम्पल्स ट्रेन है,
इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ समेशन की टर्म में, समेशन ऑफ डेल्टा टी माइनस पाई बाई टू इंटू टू एन प्लस वन, और प्लस माइनस कुछ भी, मतलब दोनों आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो या फिर प्लस ही रखो और एन की वैल्यू नेगेटिव कर देना, ठीक है ना। तो इसको मैं प्लस ही कर देता हूँ, ज़रा देखिए। तो ये देखा जाए तो क्या बन गया, इंपल्स ट्रेन बन गई है एन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इस ट्रेन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। और उसमें फिर क्या है, मैंने फिर मल्टीप्लाई कर दिया ये आगे वाली टर्म। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब या फिर इस फंक्शन को ऐसे हर एक इंपल्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूज आपकी निकल के आएंगी इसमें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जब आप इस तरफ आना शुरू करोगे तो ये वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी और सबका समेशन लेना है आपको। तो यहाँ पे कोई जीपी नहीं बन रही, कोई ऐसी सीक्वेंस नहीं बन रही है। जब जैसे मान लीजिए आपने ये लिया डेल्टा टी माइनस पाई बाय टू, तो डेल्टा टी माइनस पाई बाय टू को यहाँ पे जब पुट करोगे पाई बाय टू की वैल्यू, तो एक वैल्यू आ जाएगी इससे। फिर आप क्या पुट करोगे, थ्री पाई बाय टू, उससे एक वैल्यू आ जाएगी इसकी। फिर उससे फाइव पाई बाय टू पुट करोगे, उससे एक वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। तो और ऐसे पीछे भी जाएंगे, उससे आप देखना एक सीक्वेंस जो है वो बन नहीं रही है, प्रॉब्लम ये है। तो उससे आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इसका मुझे लगता है ये ऐसे ही आपने क्वेश्चन बना दिया है, तो उससे कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है। इसको आप पूरी तरह से सोल्व नहीं कर पाओगे भाई, जिन्होंने ये क्वेश्चन पोस्ट किया था एक बार, या तो क्वेश्चन को चेक कर लें एक बार, ठीक है, पूरी तरह से, और उसके बाद फिर से अगेन पोस्ट कीजिएगा क्वेश्चन को। उम्मीद है आपको समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। बट ये मतलब एटलीस्ट ये तो सोचो ना, इससे हमें ये तो समझ आया कि इसको कैसे प्लॉट करेंगे। तो हर एक चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लीजिए कि इससे हमें कुछ पता चला। बेशक हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, उसका रीज़न है कि जो सीक्वेंस बनेगी उसका कोई जी पी ए पी बन नहीं रहा है उसमें। कई सारे इंपल्स हैं, ऐसे आगे तक जाएंगे, ऐसे पीछे तक ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे हर एक इंपल्स की वैल्यू यहाँ पे एक बार डेल्टा टी माइनस पाई बाय टू करो, उस पर वैल्यू चेक करो, फिर डेल्टा टी माइनस थ्री पाई बाय टू करो, उस पर वैल्यू निकालो, फाइव पाई बाय टू करो, उस पर वैल्यू निकालो, और सबको फिर जोड़ते चले जाओ, ठीक है। सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, लेकिन फिर उसको ऐड करना फिर हमारे लिए महाभारत होगी, उसको हम कैसे ऐड कर पाएंगे वो दिक्कत रहेगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ आ गया कि इसको हम क्यों नहीं कर पाएंगे, क्या लिमिटेशन है हमारे पास, ठीक है। तो वैसे जस्ट क्वेश्चन बनाया गया क्वेश्चन है, अभी इसमें मुझे लगता है करेक्शन की नीड है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे जो पूछा गया है वो कुछ इस तरह का था, जो मुझे लगता है कि आप लोग सोल्व करोगे सब लोग। आपको इसके एच पैरामीटर पूछे हैं, जरा देखिए, आपको इसके h पैरामीटर पूछे, ये आपको t नेटवर्क दे रखे हैं दो, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अब बताइए भाई इसके h पैरामीटर बताइए। इनकी वैल्यूज मैं दे देता हूं, मैं आपको समय दूंगा सॉल्व करने का। ऊपर वालों की जो वैल्यूज है वो 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm, ये 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, इस तरह की वैल्यूज है। दिस इज V1, दिस इज I1, एंड दिस इज V2, दिस इज I2। फाइंड H पैरामीटर ऑफ दिस नेटवर्क, आपको इस नेटवर्क के H पैरामीटर बताने हैं। जल्दी करें, सोल्व कीजिए भाई इसको। तो आप समय लीजिए 2-3 मिनट और इसको सोल्व कीजिए, फटाफट बताइए भाई क्या बनेगा। मुझे लगता है बहुत आसान है, कौन से पैरामीटर पैरेलल में ऐड होते हैं, बस ये बताओ, ठीक है। कौन से पैरामीटर ऐड होते हैं बताइए भाई। ड्रूप करेक्टरिस्टिक्स अभी कहाँ यार, अभी हम सिग्नल डिस्कस कर रहे हैं, सिग्नल नेटवर्क और ईएमएफटी और कंट्रोल, इनके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ जी बोलिए भाई। वाई पैरामीटर दोनों पैरेलल में ऐड होते हैं, बिल्कुल सही है, वाई ऐड होते हैं। तो आप एक काम कीजिए, इंडिविजुअल का वाई निकाल लो और पाई नेटवर्क का वाई पैरामीटर फटाफट निकल आता है। अगर आपको मेथड याद हो, अगर कोई वाई नेटवर्क है, कोई टी नेटवर्क है, उसके वाई पैरामीटर आप फटाफट निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको याद हो प्रोसेस, तो कैसे हम निकालते हैं वो प्रोसेस अगर आपको पता हो, तो इसके मेरे पास टी पैरामीटर फटाफट निकल आएंगे। बोलिए भाई क्या बनेंगे, इसके वाई पैरामीटर फटाफट निकल आएंगे। बोलिए, ये जो होता है ये क्या होता है, माइनस ऑफ Y12 या फिर -Y21 के बराबर होता है मेरे ख्याल से। बोलिए ऐसा ही है क्या? और ये जो होता है ये होता है Y11 प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस Y12 मेरे ख्याल से प्लस होता है, एक बार चेक करो भाई, प्लस होता है माइनस होता है, एक बार देखना, या फिर मुझे पूरा सोल्व करके बताना पड़ेगा भाई। बोलिए क्या होता है इसका, डायरेक्ट मैंने बताया ना भाई, डायरेक्ट बता रखा है मैंने, ठीक है। बोलिए भाई जल्दी बताओ, टी नेटवर्क का, या पूरा सोल्व करके बताऊं इसको ये कैसे आया था।
यहाँ पे प्लस होता होगा, एक बार देख लीजिए, प्लस होता है कि माइनस होता है पहले ये बताओ, वाई टू टू प्लस वाई टू वन या फिर माइनस होता है पहले एक बार ये बताओ भाई, यहाँ पे प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस, ओके प्लस प्लस बोल रहे हैं, पता नहीं भाई, मेरे हिसाब से प्लस ही होता है, ठीक है एक बार चेक कर लेना, ये लर्निंग बेस्ड है आपका। तो यहाँ से पहले तो इनको वाई में लिख लो सबको, इसके उल्टा कर लो, ये टी नेटवर्क है। तो आप बताओ यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये किसके बराबर है, ये है माइनस ऑफ वाई वन टू या फिर माइनस ऑफ वाई टू वन के बराबर है। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री, और यहां पे भी माइनस वन बाई थ्री, ठीक है भाई यहां से तो ये आ गया। अच्छा ये बताइए ये किसके बराबर है, ये है वाई वन वन, वाई वन वन प्लस वाई वन टू इक्वल टू वन बाई थ्री है, और वाई वन टू की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री है, उधर आके प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा टू बाई थ्री, और ये भी आपका टू बाई थ्री बन जाएगा, ठीक है एक बार चेक कर लीजिए। इसके वाई पैरामीटर डायरेक्ट निकाल दिए, सिमिलरली इसके भी वाई पैरामीटर निकाल दो, पहले इसको वाई में लिख लो, एडमिटेंस की फॉर्म में लिख लो, वन बाई टू वन बाई टू। तो यहां से बताओ क्या बनेगा, माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, ये तो मेरा क्या हो गया वाई वन टू या वाई टू वन हो गया नेगेटिव के साथ, ये बनेगा वन और ये बनेगा वन, ठीक है भाई एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो भाई, ओके प्लस, हाँ जी बोलिए भाई। तो आप बताइए ये इसके ऊपर वाले का y आ गया, नीचे वाले का y आ गया, दोनों को जोड़ दूंगा तो ओवरऑल ओवरऑल y क्या आएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा 5 बाई थ्री, और ये भी आपका 5 बाई थ्री, और इसको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा माइनस 5 बाई सिक्स, और यहाँ पे भी माइनस 5 बाई सिक्स, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या बन गया, y पैरामीटर। अब मुझे क्या निकालना है, यहां से अब आप डायरेक्टली h पैरामीटर निकाल सकते हो, यहां से पहले y पैरामीटर की इक्वेशन खोल लो, ये I1 I2 इक्वल टू दिस इंटू वी वन वी टू। तो पहले आप इक्वेशन खोलो और फिर इसकी रीशफलिंग करके आप क्या कर सकते हो, इसके H पैरामीटर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे मुझे लगता है, इसमें अब कोई बचा नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसमें क्वेश्चन में दम नहीं है भाई, ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ आया भाई, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा गया है उसको जरा देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक मेरे पास आर है और एक ऐसे इंडक्टर लगा रखा है, इस तरह का नेटवर्क है, और यहाँ पे वी इन सप्लाई दे रखी है भाई, वी इन। सुनिए ये क्या कर रहा है, इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है भैया, ब्लिंक कर रहा है बार बार, तो उससे शायद आपको थोड़ी परेशानी हो, तो उसको थोड़ा सा हैंडल कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी जरा देखिए इसमें क्या क्या कर रहा है, ये आर है और ये ओमेगा एल है, आप ये बोल सकते हैं, और आपको बोला गया है एट ओमेगा इक्वल टू 100 हर्ट्ज या एफ इक्वल टू 100 हर्ट्ज पे आपको इन दोनों की वोल्टेज जो है वो बराबर है, आरएमएस वैल्यू जो है वोल्टेज की वो बराबर है, ठीक है। और आपसे पूछा है एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज पे इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी, आपसे ये पूछा है आरएमएस वैल्यू क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ वी इन, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। ये अब मुझे नाम नहीं पता कि इन्होंने पूछा ये क्वेश्चन, बट इस तरह का क्वेश्चन है कि भाई R और L पे, मतलब ये R दे रखा है ये L दे रखा है, और F इक्वल टू 100 हर्ट्ज पे इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो RMS वैल्यू आ रखी है वोल्टेज की वो बराबर आ रखी है, आपको बताना है 50 हर्ट्ज पे यहाँ की वोल्टेज क्या होगी, आपको ये बताना है वी इन की टर्म में, ठीक है। तो अब ये कैसे निकाले जरा देखिए, सबसे पहले 100 हर्ट्ज पे देखो, ये बन जाएगा जे 200 पाई एल, ये बन जाएगा, और ये वोल्टेज तभी बराबर आएगी, बिकॉज दोनों में करंट तो सेम ही है, वोल्टेज तभी बराबर आएगी जब इसकी वैल्यू और इसका मैग्नीट्यूड बराबर आ जाए, मतलब ये आर हो ये जे आर हो, ठीक है, तब इनके अक्रॉस वोल्टेज बराबर आएगी, बिकॉज दोनों में करंट आपका सेम है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है 200 पाई एल मस्ट बी इक्वल टू आर होना चाहिए, तो यहां से एल की वैल्यू क्या आ गई, आर डिवाइड बाई 200 पाई। अब ये कह रहा है 50 हर्ट्ज अगर मैं कर दूंगा तो 50 हर्ट्ज पे ये तो R ही रहेगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा J ओमेगा, ओमेगा इज 100 पाई इंटू एल, यहां पे ये बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, ये R बाई टू बन जाएगा, जरा देखो ध्यान से, R प्लस R बाई टू बन जाएगा, बोलिए J R प्लस, कुछ इस तरह का आपका टोटल इंपीडेंस हो जाएगा। अब आपसे पूछा बताओ यहां की वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ V इन क्या आएगी, पहले क्या आ रही थी, पहले ये देखो, पहले इंपीडेंस ये था, तो आप बताओ करंट कितना आएगा, करंट आएगा वी इन डिवाइड बाई आर प्लस जे आर, पहले ये था कितने पे, 100 हर्ट्ज पे, तो बन जाएगा वी इन बाई आर रूट टू
एंगल माइनस 45 डिग्री, अगर मैं इसको 0 डिग्री ले लूँ तो ये करंट आएगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या बनेगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए ये बनेगी वी इन बाई रूट टू आर इन टू आर कर दो, बल्कि जे आर कर दो, क्योंकि ये जे आर के बराबर है ना, जे आर, तो करंट जो आया उसको मैंने जे आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एंगल 45 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस 45 करंट का है और जे यहां पे आने की वजह से, आई थिंक वीडियो ये रुक गया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए माफ करें मुझे, ठीक है, हाँ जी, तो बोलिए भाई, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, ये आर से आर कट गया, तो ये बनेगा वी इन बाई रूट टू एंगल 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, ये क्या चीज है बताओ, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी, पहले केस में जब फ्रीक्वेंसी क्या थी मेरी 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, अब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज, तो अब बताओ पहले करंट कितना आएगा, करंट आएगा वी इन डिवाइड बाई आर प्लस जे आर बाई टू, एंगल जीरो है यहाँ पर, तो आप बताइए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी इन डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई फोर, तो ये बन जाएगा 5R² / 4, और ऊपर जो एंगल आएगा वो आएगा 10 inverse of 1/2 विद माइनस साइन, अब ये करंट आएगा यहां से यहां तक, और इनटू में क्या हो जाएगा जे आर बाई टू, और मल्टीप्लाई कर दो इसको जे आर बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा वी इन बाई रूट ऑफ 5/4, और R यहां पे आ जाएगा, और यहां पे भी R आ जाएगा, और एंगल क्या हो जाएगा 90 - 10 inverse of 1/2, यहां पे ये हो जाएगा, जे की जगह पे 90 लिख दिया, आर चार कट गया, तो ये वोल्टेज अब आ जाएगी, समझ आया भाई, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, तो ये बन जाएगा 2V in by root 5, ठीक है 2V in by root 5 इस तरह का बन जाएगा, और यहाँ पे क्या था जरा देखो V in by root 2, कुछ इस तरह का है, तो मेरे ख्याल से सिंपली आप इसको सोल्व कर सकते हो, एक केस में 50 हर्ट्ज़ है उसमें वोल्टेज बराबर है, बराबर वोल्टेज तभी हो सकते जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर हो, इसलिए मैंने इसको भी जे आर लिख दिया, ठीक है, तो यहां से आप करंट निकाल लो, करंट आ गया आपके पास, और करंट से फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हो आर से मल्टीप्लाई करके, इस तरह का बनेगा, दूसरे केस में 50 अगर कर दोगे तो 50 करने से इसकी जो वैल्यू है वो इसका ये बन जाएगी ओमेगा एल, और वो आर बाई टू बन जाएगा, क्योंकि अगर इसको मैं आर मान रहा हूँ तो ये आर बाई टू हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं करंट निकाल सकता हूँ, ये मैंने करंट निकाल दिया, ठीक है, और करंट इनटू में ये जे आर बाई टू कर दो, तो आपके पास ये दूसरे केस में वोल्टेज आ जाएगी, इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो, अगर आप रेशियो निकालना चाहो तो रेशियो भी आप निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है ना, तो ये मेरा अगला क्वेश्चन था अभी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, तो नेक्स्ट जरा देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर मैं सोल्व करूं तो वो जरा देखते हैं, सुनिए मैं एक बार जरा आपके डाउट पोर्टल से मैं उठा रहा हूं क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं क्वेश्चंस मैंने लिखे नहीं है, हाँ जी, नेक्स्ट जरा देखिएगा, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये प्रीतिश शर्मा ने मुझसे पूछा है, प्रीतिश कह रहे हैं सर व्हेन टू कैपेसिटर चार्ज्ड विद डिफरेंट पोटेंशियल आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिड्यूसेस इन विच फॉर्म इज एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस, ये कह रहा है किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ये नेटवर्क थ्योरी में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया होगा, जरा देखिए, उसमें मैंने बोला था एक कैपेसिटर है मान लीजिए और वो कुछ 10 वोल्ट पे चार्ज है, उसकी वैल्यू 2 फेरेड ले लो, यहाँ पे स्विच है, ठीक है, और दूसरा कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू आप ले लो 5 फेरेड, और ये जो है ये मान लीजिए मेरा 5 वोल्ट है, जब मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है, जब मैं कनेक्ट करूँगा तो क्या होगा, अभी फिलहाल एनर्जी निकाल लो पहले, स्विच ऑन होने से पहले क्या एनर्जी है, और जब कनेक्ट करूँगा तो उसके बाद जो एनर्जी ओवरऑल एनर्जी आएगी वो थोड़ी सी कम आएगी, अब क्वेश्चन ये है कि जो एनर्जी कम आई है वो कहाँ पे लूज हो गई, वो कहाँ चली गई एनर्जी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा है भाई इन्होंने, तो ये क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से मैंने नेटवर्क थ्योरी में आई थिंक मैंने बताया होगा कि नेटवर्क थ्योरी में क्या है, बताइए, बोलिए भाई, बोलिए इस एनर्जी का, ये एनर्जी कहाँ जाएगी इसको बताइए भाई, बोले भाई, कौशल ने मुझसे पूछा है सर ये पाई नेटवर्क है टी नेटवर्क कहाँ है, टी कहाँ है, मैंने टी कहाँ लिया, इसको पाई लिया है भाई, पाई से ही तो किया मैंने, पाई नेटवर्क किया है, मैं गलती से टी बोल गया हूँगा, ठीक है, गलती से टी बोल गया हूँगा भाई, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये पाई नेटवर्क है, पाई नेटवर्क का डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, टी नेटवर्क के जेड पैरामीटर डायरेक्ट निकलते हैं, ठीक है ना, पाई नेटवर्क के वाई पैरामीटर डायरेक्टली निकल जाते हैं, ठीक है, बोले भाई, चलिए
कौशल, मैंने गलती से बोल दिया होगा, माफ करें उसके लिए, ठीक है। हाँ जी, तो देखे भाई, इससे एनर्जी कहाँ जाएगी? देखो, कुछ लोग इसको बोलते हैं सर एनर्जी जो है वो हीट में वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे कोई हीट निकलेगी और स्विच ऑन करोगे तो हीट में वेस्ट हो जाएगी। सही बताओ तो यहाँ पे हीट तो कहीं है ही नहीं, बिकॉज कोई आर लोड, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं सर्किट के अंदर। जो कैपेसिटर होता है वो आपका हीट पैदा करता नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो एनर्जी जाएगी, क्योंकि एकदम से जो करंट आएगा वो इंपल्सिव करंट आएगा। यहाँ पर जब आप करंट निकालोगे, एक बार रुकिए, आई थिंक कोई दिक्कत ना होगी हो। हाँ जी, ठीक है, जब आप करंट निकालोगे एकदम से, जो करंट आएगा आई टी, दैट विल बी इम्पल्सिव। आप यहाँ पे करंट निकाल के देखना, वो इम्पल्सिव करंट आएगा, इम्पल्सिव करंट आएगा, और इम्पल्सिव करंट एकदम से इस तरह का होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स एकदम से आएंगे, और उससे क्या होगा, सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी जाएंगी, यहाँ से एक सिग्नल निकलेगा। जब इम्पल्सिव करंट होता है, जब एफ टी मेरा डेल्टा टी के बराबर होता है, तो अगर मैं उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखूंगा एफ ओमेगा, तो इसका जो एफ ओमेगा बनेगा वो कांस्टेंट वन बनेगा, ठीक है। डेल्टा डी का इंपल्स वन होता है, इसका मतलब हर सिग्नल पे, हर फ्रीक्वेंसी पे एक सिग्नल प्रेजेंट है, वो यहाँ से ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो ट्रांसमिट होगा तो उसके अंदर एक एनर्जी जाएगी जो यहाँ से रिलीज होगी। तो मेरा आंसर यहाँ पे ये है, डाइलेक्ट्रिक लॉस, आई गेस डाइलेक्ट्रिक लॉस। मैं आइडियल केस ले रहा हूँ कैपेसिटर को, ठीक है। तो आइडियल केस अगर आप लोगे तो फिर कैसे आप बोल सकते हो कि लॉस होगा? वैसे जनरली हर बुक में यही लिखा होता है कि लॉस होगा यहाँ पे, लेकिन लॉस होने वाली चीज़ कहाँ है आप बताइए ना? ना कोई रजिस्टर है, ना कोई कोई भी चीज़ नहीं है। तो इंडक्ट करंट आएगा इंपल्सिव, हर एक आइडियल सिचुएशन है। तो यहाँ पे एक ही तरीका है जिससे एनर्जी जाएगी, और वो जाएगी इंपल्सिव करंट फ्लो होने की वजह से, सडन जो एकदम से करंट फ्लो करेगा, चार्ज एकदम से एक्सेलेरेट करेंगे, और एक्सेलेरेटिंग चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी ई क्रॉस एच जो एनर्जी डेंसिटी होती है, ये आपकी रिलीज होगी यहाँ से, और इससे आपकी ओवरऑल एनर्जी कम होगी। आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ मैंने शायद पहले भी एक्सप्लेन की थी, ठीक है। हाँ, जॉनसन ने बोला इंपल्सिव करंट फ्लो होगा ताकि सडन चेंज इन वोल्टेज हो जाए, उसके लिए जितनी एनर्जी की नीड होगी कैपेसिटर को, उतनी एनर्जी वेस्ट होगी। वेस्ट कहाँ होगी? वेस्ट होने का मतलब है वेस्ट केवल हीट की फॉर्म में हो सकती है एनर्जी, और कैसे फॉर्म में वेस्ट होगी आप बताइए? तो हीट की फॉर्म में तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो यहाँ से निकलेंगी, ये एक काइंड ऑफ एंटीना की तरह काम करेगा ये, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगी उसी में आपकी एनर्जी जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकल केस में तो रेजिस्टेंस होता है। प्रैक्टिकल केस में अगर दो कैपेसिटर हैं और उनको मैं कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे एक स्पार्क आता है। पहली बात तो स्विच में आपने देखा भी होगा, कई बार मैंने ऐसे शॉर्ट करके दिखाया है प्रैक्टिकली उसमें। और दूसरी बात, इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉसेस भी होते हैं उस केस में। तो प्रैक्टिकल केस में तो आप बोल सकते हो कि लॉस होगा, बट सही बताओ तो आइडियल केस में आप ये नहीं कह सकते हो कि लॉस होगा, बिकॉज आइडियल केस में तो कोई लॉसी कॉम्पोनेंट है ही नहीं है। कैपेसिटर मेरे आइडियल है, वायर मेरा आइडियल है, ठीक है। तो व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द वायर, ये नहीं कर सकते हो आप। शेप हर चीज की नहीं बता पाओगे, बिकॉज हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या शेप होगी, और वैसे भी करंट एकदम से चेंज हो रहा है, चार्ज एकदम से फ्लो कर रहे हैं और उसके बाद फ्लो करना बंद कर रहे हैं। तो एकदम से जब फ्लो करेंगे, केवल उसी मोमेंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि किस तरह की आएगी, बट आएगी जरूर, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इवन आप इसको सुन सकते हो, मतलब जब भी दो कैपेसिटर को आप ऑन करते हो और आपने कोई रेडियो लगा रखा है, चाहे कहीं किसी भी ट्यूनिंग पे आप रेडियो को रखो, आप स्विच को अगर ऑन ऑफ करते जा रहे हो, अपने घर में स्विच ऑफ को ऑन ऑफ कर लो, उससे आप हर फ्रीक्वेंसी पे उसका जो टक 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 टक, मतलब ऐसी आवाज़ सी सुनाई देगी आपको, तो वो हर फ्रीक्वेंसी पे प्रेजेंट होता है क्योंकि, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा आंसर यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो बुक्स में होता है वो जहाँ पे ये लिखते हैं कि हीट में लॉस होगी, बट मुझे ये समझ नहीं आती कि यहाँ पे हीट जा कहाँ रही है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इस तरह से हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे इसको, मैं ये बोलूँगा कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो प्रैक्टिकल केस में और ज़्यादा होगा, प्रैक्टिकल केस में तो लॉस भी होता है ना भाई। प्रेक्सी ने बोला है सर व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बता चुका हूँ एस के वसीम। ओवरऑल वोल्टेज क्या होता है, ओवरऑल वोल्टेज क्या होता है एस के वसीम? मुझे लगता है कि ओवरऑल वोल्टेज मतलब ओवरऑल वोल्टेज क्या होता है, ये क्या मैं बताऊँ इसका, इसका क्या आंसर दूँ मैं? ओवरऑल वोल्टेज मतलब ओवरऑल टोटल वोल्टेज, ठीक है। हाँ जी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अराइवल एंड डिपार्चर एंगल ऑफ रूट लोकस विद क्वेश्चन, आयुष ने बोला है। आयुष एक बार लेक्चर देखिए, उसमें अराइवल एंड डिपार्चर एंगल मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका जो फॉर्मूला है वो भी मैंने बताया कि कैसे आप देखते हो। बाकी जब मैं रूट लोकस पे पहुंचूंगा, अभी तक आप मेरे ख्याल से सब लोग रूट लोकस पे नहीं पहुंचे हैं, तो उस टाइम आप इसको पूछिएगा, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई। तो मैंने ये क्वेश्चन बता दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये दो दो कैपेसिटर का था। हाँ जी, एक क्वेश्चन भावेश ने मुझसे पूछा है, जरा देखिए क्या क्वेश्चन है। ट्रांजेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, और इसमें एक रजिस्टर है, ठीक है, देखिएगा, एक रजिस्टर लगा रखा है और स्विच है, एक इंडक्टर है, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे इंडक्टर है और यहाँ पे डायोड है। ये कॉपीड क्वेश्चन है, ये मैंने अपने डीपीवी में दे रखा था क्वेश्चन, पता नहीं लोग। एनीवे देखिए भाई, क्वेश्चन सिंपल है भाई, लेकिन ठीक है। देखिए 10 वोल्ट यहाँ पे दे रखा है, 10 वोल्ट, और ये जो रजिस्टर है ये आपका है 1 ओम का, 1 मिली हेनरी इंडक्टर है, 1 मिली हेनरी इंडक्टर है, और जो कैपेसिटर है वो है 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड आपको ये दे रखा है। और आपसे क्या पूछा, सुनिए, ये बोल रहा है द स्विच एस इज इन सर्किट शोन बिलो बीन क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, एस जो है काफी दिनों से क्लोज था, एंड रिमे इट इज ओपन एट टी इक्वल टू जीरो एंड रिमेन्स ओपन आफ्टर दैट। टी इक्वल टू जीरो पे हमने ओपन कर दिया और उसके बाद ये आप देख पा रहे हो मुझे, ये थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है भाई आज, मुझे माफ करें, थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से दिक्कत आ रही है। हाँ जी, आप सुन पा रहे हो, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहा था, क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तो क्वेश्चन में कह रहा है टी इक्वल टू जीरो पे इसको ओपन किया गया है, अज्यूम दैट द डायोड है जीरो रिवर्स करंट एंड जीरो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, द स्टडी स्टेट मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज वीसी। आपसे पूछा है कि कैपेसिटर की जो वोल्टेज है उसकी स्टडी स्टेट मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो जरा देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं कि स्टडी स्टेट मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले हमने इसको क्लोज, ये पहले क्लोज्ड फॉर्म में था, तो क्लोज्ड था तो इसका मतलब करंट ऐसे जा रहा था और इंडक्टर शॉर्ट हो रखा था। कितना करंट आ रखा था बताओ, इंडक्टर को अगर मैं शॉर्ट कर दूंगा तो करंट आएगा 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट आएगा। इसका मतलब इस इंडक्टर में नीचे की तरफ करंट आ रहा है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट हमेशा नीचे की तरफ रहेगा इसमें। अब जैसे इसको मैं ओपन करूंगा इधर का सर्किट हट जाएगा, अब सर्किट ये बचेगा, ये और यहां पे डायोड है मेरे पास और ये कैपेसिटर है, और इनिशियली कैपेसिटर चार्ज दे नहीं रखा है, इसमें इनिशियल करंट दे रखा है आपको 10 एम्पियर। अब ये 10 एम्पियर का इनिशियल करंट की तरह काम करेगा इस सर्किट के लिए, ठीक है। और ये जो है ये है 10 माइक्रोफेरेड और ये है मेरे पास 1 मिली हेनरी। अब करंट जो है वो ये रास्ता पकड़ेगा, बट करंट की इक्वेशन क्या आएगी वो जरा देखते हैं। डायोड को कंडक्ट करना पड़ेगा बिकॉज इंडक्टर कंडक्ट कराएगा इसको, मजबूरी है ना, इसको रास्ता देगा, ठीक है, तो डायोड कंडक्ट करेगा, बट करंट कभी भी उल्टा नहीं जा सकता, ये ध्यान दीजिए बस। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं इसका लैपलेस डोमेन में सोल्व कर रहा हूँ, जब भी एल और सी आ जाए लैपलेस में कीजिए। तो जरा देखिए ये बन जाएगा, वैसे कुछ लोग याद भी रखते हैं करंट की इक्वेशन, ठीक है, बट याद करने की जरूरत नहीं है। जरा देखिए एल एस, ये बन गया एल एस और ये बन गया एल आई जीरो, एल आई जीरो इनिशियल करंट, ठीक है, इसको एल एस लिख दिया, एल आई जीरो बाद में एल की वैल्यू पुट कर देंगे, और ऐसे यहाँ पे कैपेसिटर बन गया सी एस, 1/CS, ठीक है भाई। अब आप बताइए जो आई एस आएगा वो क्या आएगा, तो IS की वैल्यू क्या बनेगी, IS विल बी इक्वल टू, बोलिए क्या बनेगा, एल आई जीरो डिवाइड बाई एल एस प्लस 1/CS, ये बन जाएगा। अब बताइए ये बन जाएगा एल आई जीरो डिवाइड बाई एल सी एस स्क्वायर प्लस 1 × CS, ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास करंट आएगा दोस्तों। अच्छा करंट तो आ गया एक, तो ये इसको मैं अगर मैं एल सी को कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो ये बन जाएगा आई जीरो इंटू एस डिवाइड बाई, बताइए एल सी कॉमन आ गया, ये बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1/LC, और 1/LC को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, बोलिए भाई ये मेरे पास करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा अगर डायोड नहीं है तो, मैंने बताया ये, ठीक है। और कैपेसिटर की वोल्टेज का क्या एक्सप्रेशन आएगा बताओ, ये तो करंट का एक्सप्रेशन है, वोल्टेज का वी सी एस क्या बनेगा, दैट इज आई एस विच इज एल आई जीरो इंटू सी एस डिवाइड बाई एल सी एस स्क्वायर प्लस 1 × 1/CS, ये बन जाएगा, और सी एस से सी एस कट गया तो क्या बना बताओ जरा, ये बन गया एल आई जीरो और यहाँ से एल सी कॉमन ले लो, ठीक है, तो अंदर क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस 1/√LC का स्क्वायर, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखिए ये मेरे पास कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बन गई एस डोमेन में, तो एक काम करता हूँ ये तो कट गया यहाँ से, ठीक है, ऊपर 1/LC लिख देता हूँ √LC और यहाँ पे √LC लिख देता हूँ, एक ही बात है, ठीक है भाई, सो दैट ये 1/√LC डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ये बन जाए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए टाइम डोमेन में अगर मैं निकालूं आई टी, तो आई टी टाइम डोमेन में क्या आएगा,
लैपलेस डोमेन में ये था, तो टाइम डोमेन में क्या बनेगा? इसका लैपलेस इनवर्स लो, आई जीरो विच इज 10, आई जीरो साइन ऑफ 1/√LC इंटू टी, ये तो करंट आ गया, साइनसोइडल करंट आएगा, बट ये तब है जब डायोड नहीं है। जरा देखो सर्किट में डायोड नहीं लगा रखा भाई, क्योंकि लैपलेस जो होता है लीनियर सर्किट पे अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो इसको मैं सोर्स मान लूंगा तो सर्किट मेरा लीनियर हो गया और मैंने डायोड को हटा दिया एक मिनट के लिए, वो अलग से हम इंक्लूड कर लेंगे डायोड को। और कैपेसिटर की वोल्टेज क्या आएगी? VCT, दैट इज बोलिए आई जीरो अलग से आ गया मेरे पास, आई जीरो इंटू, जरा देखो यहाँ पे नीचे सी है ऊपर रूट एल सी है, तो ये बन जाएगा √L/√C, तो ये बन जाएगा √L/C, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन ऑफ 1/√LC इंटू टी, ठीक है भाई। एक बार देख लीजिए, ये वोल्टेज बनेगी और करंट में कोस आएगा भाई, यहाँ पे साइन नहीं आएगा, यहाँ पे कोस आएगा, ठीक है भाई, ये कोस आएगा, ठीक है भाई। तो अब जरा देखिए, अगर मैं इसको प्लॉट करूँ इस करंट को और इस वोल्टेज को, तो करंट कोसाइन है, तो करंट की वेव जो है वो इस तरह की बननी चाहिए, 10 cos, इस तरह जाना चाहिए। बट जरा रुकिए, आप जल्दबाजी में हो, कोई बात नहीं, एक बार बना लो। और कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो साइन वेव इस तरह से शुरू होगी, ठीक है, वो इस तरह से जाएगी। बट जरा मुझे एक बात आई, क्या करंट उल्टा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? नहीं जी। तो इसका मतलब इस सर्किट में अगर मैं देखूं ध्यान से, तो करंट 10 से तो शुरू होगा, ये सही है क्योंकि 10 cos है, बट जैसे ही जीरो होगा नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब इस पॉइंट पे, पहले तो ये पॉइंट बताओ कहाँ पे जीरो होगा, ये करंट कहाँ जीरो होगा? जब टी की वैल्यू क्या हो जाए? π/√LC। इसका मतलब यहाँ पे π/√LC पे क्या होगा? यहाँ तक करंट आएगा, उसके बाद करंट नहीं आएगा, ठीक है, ये करंट आपका गायब हो जाएगा। सिमिलरली π/√2√LC पे, अगर यहाँ पे π/√LC पुट कर दो, तो ये मैक्सिमम बनेगा, और ये कितना बनेगा? ये बनेगा I0 रूट ऑफ, बताइए क्या बनेगा? √L/C, यहाँ पे ये बनेगा यहाँ तक। तो इसका मतलब इस तक रुक जाओ, उससे आगे का बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ये करंट जीरो हो गया, और यहाँ तक ये वोल्टेज आपकी पीक पे चलेगी। अब आइए, सर्किट ओरिजिनली ये था इंडक्टर, और यहाँ पे डायोड था, और ये था कैपेसिटर। अब सुनिए, इस टाइम तक आते आते π/√L चार्ज हो चुका है उल्टी पोलैरिटी का, और इंडक्टर में जो करंट था वो जीरो हो चुका है अब, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद देखिए, कैपेसिटर इस पोलैरिटी का चार्ज हुआ अभी, क्योंकि करंट इधर से इधर जा रहा था ना। अब इस पॉइंट के बाद डायोड ऑफ हो जाएगा, तो इसका मतलब है जो करंट है वो ऐसा आया यहां तक, और जो वोल्टेज है कैपेसिटर की वो ऐसे राइज की यहां तक। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो भाई, ये जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इस पोलैरिटी का कैपेसिटर चार्ज होगा। इसके बाद क्या कभी फ्यूचर में डायोड ऑन होगा? कभी ऑन नहीं होगा। क्यों? अगर मैं यहां पे ग्राउंड मान लूं, तो यहां की वोल्टेज ऑलवेज नेगेटिव आएगी और यहां की वोल्टेज आएगी जीरो, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है, करंट इसके बाद जीरो हो गया ना। तो अगर इंडक्टर में करंट जीरो हो गया, तो वोल्टेज उसके अक्रॉस जीरो वोल्ट बनेगी, DI/DT, रेट ऑफ चेंज ही खत्म हो गया ना करंट का। तो इसका मतलब ये वोल्टेज जीरो, तो इसका मतलब इधर रहेगा जीरो, इधर रहेगा माइनस नेगेटिव वोल्टेज जो कैपेसिटर पे चार्ज हुई है। इसका मतलब अब फ्यूचर में कभी भी डायोड ऑन नहीं होगा। अगर डायोड ऑन नहीं होगा, तो अपने आप सर्किट ऑलवेज क्या बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह, और उसके बाद कैपेसिटर की वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहेगी, कैपेसिटर ना चार्ज होगा ना डिस्चार्ज होगा, और करंट आपका जीरो रहेगा। कैपेसिटर में कोई करंट ही नहीं आ रहा, कोई चार्ज ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ना तो कैपेसिटर चार्ज होगा ना ही डिस्चार्ज होगा, इसका मतलब वोल्टेज क्या हो जाएगी? कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो, ठीक है, मैंने कोस कर दिया भाई, ठीक है ना। बोलिए कोई यहाँ तक डाउट है तो, सर डायोड है तो सर्किट नॉन लीनियर है ना, ओम्स लॉ वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, लेकिन जब डायोड कंडक्ट करेगा तब तो शॉर्ट हो जाएगा, तब तो वैलिड होगा। तो मैंने मान लिया कि डायोड शॉर्ट है एक बार, और शॉर्ट मान के और फिर करंट निकाल दिया, तो फिर मैंने बोला कि केवल यहाँ तक ही शॉर्ट रहेगा डायोड, तो केवल यहाँ तक ही ओम्स लॉ वैलिड किया मैंने, और उसी के हिसाब से बनाया, और उसके बाद तो कभी फ्यूचर में ऑन होगा भी नहीं डायोड, ओपन हो जाएगा डायोड, ओपन हो जाएगा, तो उसके बाद मैंने नहीं लिखा, मतलब मैंने चालाकी दिखाई है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको सोल्व किया है। बोलिए भाई कोई दिक्कत है तो, ठीक है, कोई परेशानी कोई डाउट है आप पूछिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलिए, बोलो भाई कोई भी दिक्कत है। माय फर्स्ट क्लास कृष्णा दुरानी, ओके गुड इवनिंग कृष्णा,
उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और भी चीज़ें समझ आएंगी। हाँ जी, लेकिन आप पुरानी क्लासेस भी देखिए और जो सब्जेक्ट मैंने दिए हुए हैं उनको भी लगाइए, ठीक है ना। हाँ जी बोलिए भाई, यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है पूछिए, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास उसको मैं एक बार ज़रा देखता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है राजेश ने। तो राजेश, इस क्वेश्चन को मैं पूरा सोल्व नहीं करूँगा, ज़रा देखिए। राजेश ने बोला है, मैं एक बार ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। हाँ जी, तो हाँ जी, मैं इसको एक बार जरा देखिए। अभी राजेश ने क्या क्वेश्चन पूछा है मुझसे, राजेश ने बोला है टू यूनिफॉर्म लाइन चार्जेस 8 नैनोकुलम, 8 नैनोकुलम पर मीटर इज लोकेटेड एट एक्स इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 2। ये कह रहा है कोई एक लाइन चार्ज है जो कहां पे लोकेट किया गया, बताइए। मेरे ख्याल से रेड पेन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, या नजर आ रहा है, बोलिए। रेड पेन, ओके, रेड से भी अच्छा लग रहा है, तो चलिए रेड से करते हैं शुरू, है ना। हाँ जी, जरा देखिए, एक लाइन चार्ज है जो 8 नैनोकुलम पर मीटर है और कहां पे लोकेटेड है बताइए, एक्स इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 2। ये मान लीजिए एक्स की तरफ है, ये वाई है और ये जेड है। एक्स में 1 है और जेड में 2 है, वाई का नहीं दे रखा, इसका मतलब वाई में फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है। एक्स में 1 है और जेड में कितना है, 2 है यहाँ पे, और वाई में फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ऐसे लाइन चार्ज है 8 नैनोकुलम पर मीटर। ऐसा कोई लाइन चार्ज है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बट एक्स में कितना है आगे, 1, और हाइट में कितना है, 2, और उसके बाद फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, इस तरह का कोई लाइन चार्ज है भाई। एक और लाइन चार्ज दे रखा है, ठीक है, और वो कहाँ पे है सुनिए, एक्स इक्वल टू माइनस 1 एंड वाई इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू माइनस 1 इसका मतलब यहां पे चला गया पीछे, और वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 मतलब यहां पे है इस तरफ, और जेड फिर वेरी कर रहा है, इसका मतलब जेड में फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है। इसका मतलब दो चार्ज है, अगर आप उनको विजुलाइज करके देखें तो एक एक्स इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 2 यहां पे ऐसे है, ऐसे है यहां पे, ठीक है, और एक में एक्स पीछे की तरफ है, एक्स पीछे की तरफ है, और वाई में कितना है, वाई में 2 है, इधर है, और वो ऊपर की तरफ है। एक यहां पे ऐसे है और एक यहां पे ऐसे है, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई किस तरह से है, ठीक है। और आपको कोई पॉइंट दे रखा है, ये कह रहा है इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज 100 वोल्ट, यहां पे जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है, ठीक है। आपको बताना है क्या चीज, आपको बताना है द पोटेंशियल एट पॉइंट 413, कोई पॉइंट दे रखा है 413, उस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना है क्या होगा इन दोनों लाइन चार्ज की वजह से। तो आप मुझे बताइए, एक अगर मैं कोई लाइन चार्ज ले लूं और उसकी वजह से अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो वो क्या होता है, ठीक है, वो जरा देखते हैं एक बार। एक बार मैं वापस आपके उस पर आ जाता हूँ। हाँ जी बोलिए भाई, वाइट पेन से करना है, चलिए वाइट पेन से मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वाइट पेन से कर देता हूँ, जरा देखिए भाई। तो आप बताइए मुझे, ये बताइए कि एक कहाँ पे है, बताओ एक लाइन चार्ज कहाँ पे है, एक्स में 1 और जेड में 2, जेड में 2 मतलब यहाँ पे लाइन चार्ज है कोई, और एक पीछे है लाइन चार्ज, यहाँ पे है और एक आगे है, और एक वर्टिकल है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल है। तो आपको बताना है इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे इस पॉइंट पे, बताइए ना, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे। पोटेंशियल कैलकुलेट करने का क्या तरीका, हम जानते हैं लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है रो एल डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको डी आर कर दो, माइनस कर दो, इंटीग्रेट कर दो, और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम आर नॉट टू आर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, बताइए ln r बनेगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे और बाहर माइनस भी है तो ये आर नोट बाई आर ही बन जाएगा। ये मेरा पोटेंशियल बन जाएगा r पे, अगर मैं r नोट को रेफरेंस ले लूँ, r नोट पॉइंट पे अगर मैं रेफरेंस वोल्टेज ले लूँ तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये बनेगा पोटेंशियल एट r माइनस पोटेंशियल एट r नोट। ये मैं पहले EMFT में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब आप बताइए, ओरिजिन पे आपको दे रखा है 100 वोल्ट, ओरिजिन पे 100 वोल्ट दे रखा है, अपने को इस पॉइंट पे बताना है क्या पोटेंशियल होगा। तो ये पॉइंट की पहले तो डिस्टेंस बताओ कितनी है, ये आर क्या है, आर जो है वो डिस्टेंस है मेरी लाइन से, ध्यान दीजिएगा जो लाइन होती है वहां से डिस्टेंस है। तो आप इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ, पहले इस लाइन चार्ज से देखते हैं, ये जो मेरा लाइन चार्ज है इससे इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इस लाइन पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, और इस पॉइंट की ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है,
ये निकाल लेते हैं, ओरिजिन से जो डिस्टेंस बनेगी वो तो आर नॉट बन जाएगी, और इस लाइन से जो डिस्टेंस बनेगी वो आपकी क्या बन जाएगी, आर बन जाएगी। नहीं 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 गड़बड़ कर दी मैंने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरा देखिए, ये जो आर नॉट है, जैसे कोई लाइन चार्ज होता है, मैं एक बार नई स्लाइड पे आ रहा हूँ, मान लीजिए कोई लाइन चार्ज है, ऐसे लाइन चार्ज है, और इससे आर डिस्टेंस अवे, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो वो होती है रो एल अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होती है। अब अगर मान लीजिए मैं कोई आर नॉट पॉइंट से, जो यहाँ पे आर नॉट पॉइंट है यहाँ से लाइन से, उससे आर पे आ रहा हूँ, तो जो पोटेंशियल में बदलाव आएगा, पोटेंशियल एट आर माइनस पोटेंशियल एट आर नॉट, दैट विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी एल रोल अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, और कहां से कहां तक आ रहे हो आप, आर नॉट से आर पे आ रहे हो, यही होता है तरीका, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम आर पे निकालेंगे, इसका मतलब आर नॉट क्या है, आर नॉट है इनिशियल पॉइंट जो था उसकी लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आर क्या है, जो फाइनल पॉइंट है उसकी लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप बताइए, पहले मैं ये लाइन ले रहा हूं आर नॉट, ये ओरिजिन से नहीं लेंगे भाई, ये मैंने गलत बोल दिया, आर नॉट जो है वो ओरिजिन से नहीं लेंगे, आर नॉट क्या है बताओ, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइन से मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आप बताइए, सबसे पहले बताइए मुझे कि इसकी, इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट है फाइनल पॉइंट जहां पे अपने को पहुंचना है, ये फाइनल पॉइंट यहां पे है 413, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है आर नॉट वो है ओरिजिन, वो है मेरा ओरिजिन, ओरिजिन। तो आप बताइए इस लाइन चार्ज की, जो 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 लाइन चार्ज कहां पे है बताओ, पहले वाला लाइन चार्ज ले लेते हैं, ये जो लाइन चार्ज है इस लाइन चार्ज पे x की वैल्यू फिक्स है कितनी बताओ, x में 1 है और z में कितना बताओ जरा, z में 2 है, मुझे y की वैल्यू नहीं पता इस पॉइंट पे, हर जगह पे x और z की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू नहीं पता। तो आप बताओ अगर इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस लाइन के ऊपर, जो ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस लाइन के ऊपर, तो उस परपेंडिकुलर की जो ये जो पॉइंट आएगा ये कहां पे आएगा बताओ, जो ये पॉइंट आएगा, सोचिए ये लाइन जो है, मतलब आपको थोड़ा 3D विजुलाइज करना पड़ेगा, ऐसे लाइन है ठीक है, और सब मेरे यहां पे कोई पॉइंट है P पॉइंट, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इसके ऊपर, तो जो इस पॉइंट का Y कंपोनेंट होगा वही Y कंपोनेंट यहां पे भी आएगा, क्योंकि जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो इसका मतलब यहां पे जो Y कंपोनेंट आएगा पॉइंट का वो कितना होगा 1, इसका मतलब X और Z तो पहले से ही पता है मुझे, तो ये जो पॉइंट आएगा वो बनेगा 1, 1, 2 पॉइंट, को समझिए भाई। तो अगर ये परपेंडिकुलर मुझे पॉइंट पता चल गया कि कहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये मेरे पास ये डिस्टेंस भी आ जाएगी, ये क्या डिस्टेंस है इसकी इस पॉइंट से, ठीक है, और वो जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी रूट ऑफ 4-1 का स्क्वायर विच इज 9 प्लस 1-1 का स्क्वायर विच इज 0 प्लस 3-2 का स्क्वायर विच इज 1, तो बन जाएगा रूट 10, दिस डिस्टेंस इज रूट 10, ठीक है भाई। तो इसका अंदर जो फाइनल पॉइंट है जहां पे मुझे फाइनली पहुंचना है, वहां का, वहां की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज रूट 10, ये मुझे पता चल गया भाई, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए जो ओरिजिन है उसकी डिस्टेंस क्या है, यहां पे ओरिजिन है 0, 0, 0, तो अगर मैं ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये जो पॉइंट आएगा ये बनेगा एक्स में 1, वाई में 0, जेड में 2। अगर ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये जो पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये बनेंगे, तो डिस्टेंस क्या आएगी, ये डिस्टेंस बन जाएगी आर नॉट। तो बताइए आर नॉट की वैल्यू क्या आएगी, आर नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1+4, रूट 5 बनेगा ये। तो आप बताओ इसका मतलब मुझे पता चल गया कि आर नॉट कितना है, जो ओरिजिन था वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वो है रूट 5, और जो फाइनल डिस्टेंस है वो मुझे पता चल गया वो है रूट 10, ठीक है। अब बताओ पोटेंशियल एट आर नॉट मुझे पता है 100, पोटेंशियल एट आर मुझे बताना है क्या होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, बताइए कहां से कहां तक, आर नोट से, आर नोट क्या है बताओ जरा, रूट 5 से रूट 10 और रो एल बाई 2π ε0 आर डी आर, समझ गए भाई। तो आप बताइए क्या बनेगा पोटेंशियल एट आर, क्या बनेगा, वो बनेगा 100 प्लस रो एल बाई 2π ε0 ln r, और ln r में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे और एक माइनस भार है मेरे पास, तो बन जाएगा ln रूट 5 बाई रूट 10। एक बार चेक करना भाई, यही बनेगा क्या, एक बार चेक करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि आप रूट 5 से रूट 10 पे आ रहे हो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये बनेगा, और फिर माइनस बार उसको प्लस बना दो, मेरे ख्याल से ये आएगा, ये पोटेंशियल बनेगा आर पे, लेकिन ये पहले वायर की वजह से बनेगा, ठीक है, ये पहले लाइन चार्ज की वजह से बनेगा। अब दूसरे लाइन चार्ज की वजह से भी निकालिए, ठीक है, वो अब आप सोल्व कीजिए कि दूसरे लाइन चार्ज से क्या आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, दूसरे लाइन चार्ज में मैं क्या बता, मैं मेरा क्या फिक्स रहेगा बताओ जरा, एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू फिक्स रहेगी, x की वैल्यू कितनी है बताओ, x में कितना है -1 और y में कितना है 2, z की वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है,
जेड की वैल्यू वेरी करेगी इसके ऊपर। तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर डालूँ इस पे, इस वायर पे जो परपेंडिकुलर आएगा वो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे एक्स में वन, वाई में, एक्स में माइनस वन, वाई में टू, और जेड में इसके पास थ्री है तो इसके पास भी थ्री आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये आर दिखाएगी, और आर नॉट क्या होगा, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस। अगर मैं ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालूं तो माइनस वन कोमा टू कोमा जीरो, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर आएगा इस लाइन पे, ये आर नॉट को दिखाएगा और आर को यहां से पता चल जाएगा। तो इसी तरह आप यहां का पोटेंशियल आर पे, जो फाइनल इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, जैसे हमने यहां पे निकाला ना ऐसे ही, और फिर दोनों पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ऐसे क्वेश्चन मैं काफ़ी सारे करवा चुका हूँ, तो बस इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको कीजिए भाई, तो इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। सर मेथड ऑफ इमेज की कोई एप्लीकेशन बताइए, उसमें इमेज चार्ज का कंसेप्ट क्या होता है, इरफान अली ने बोला है। इरफान अली मैं बता दूँ, मेथड ऑफ इमेज खासकर जब हम कैपेसिटेंस कैलकुलेशन करते हैं लाइन के अंदर, ओवरहेड लाइन जो होती हैं उनमें जब कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ इमेज, और मेथड ऑफ इमेज की बहुत सारी एप्लीकेशन है। सही बताओ तो मैं एक आपको बता रहा हूँ जो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं अर्थ से ऊपर, जो कैपेसिटेंस जो वायर होता है वहाँ पे यूज़ होता है। और मेथड ऑफ इमेज हम क्यों लगाते हैं, बिकॉज आप सोचिए यहाँ पे जीरो वोल्ट है और यहाँ पे कोई चार्ज है क्यू, और अगर मैं यहाँ पे कोई पोटेंशियल पूछना चाह रहा हूँ इसकी वजह से क्या आएगा, तो पोटेंशियल सिर्फ इस चार्ज की वजह से नहीं आएगा, ये जो जीरो वोल्ट है, ये जीरो वोल्ट ऐसे कैसे बन गया, ये सरफेस जीरो वोल्ट पे कैसे आ गया, इस क्यू की वजह से। देखें तो डिस्टेंस है कुछ इससे, तो इस यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होना चाहिए, यहाँ पे पोटेंशियल होना चाहिए, यहाँ पे पोटेंशियल होना चाहिए, जीरो कैसे बन गया, तो इसका मतलब ये भी कुछ ना कुछ असर डालेगी यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनेगा। तो पहले तो इस जीरो को हटाओ, इस सरफेस पे जीरो पोटेंशियल केवल तभी बन सकता है जब इतना ही मैं ओपोजिट चार्ज यहाँ पे ले लूँ, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे ले लूँ। अब आप देखो इस सरफेस पे कहीं पे भी आ जाओ आप, पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे मैंने माइनस क्यू लगाया, अब इस सरफेस को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इस सरफेस को हटा सकते हो, इस सरफेस का अफेक्ट मैंने ले लिया है, इस सरफेस का अफेक्ट मैंने ले लिया है। बस अब ये दो चार्ज आ गए मेरे पास, कौन कौन से बताइए, एक आपका ये चार्ज और एक आपका ये चार्ज, और यहाँ से पोटेंशियल निकालो, इसकी वजह से ये पोटेंशियल निकालो, और टोटल पोटेंशियल आप कर दीजिए, आपके पास नेट फाइनल पोटेंशियल आ जाएगा। समझ आया? तो आप देखिए इमेज चार्ज क्यों क्रिएट किया जाता है, सो दैट जो सरफेस का पोटेंशियल दे रखा है उसको सेटिस्फाई किया जा सके, ठीक है, और उसके बाद सरफेस को हटाया जा सके, इसलिए हम इमेज चार्ज का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन, डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी माइनस टू इक्वल टू डेल्टा टी माइनस टू, ये क्या कर दिया आपने, डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए भाई, ठीक है, ये ठीक नहीं है भाई, मल्टीप्लाई किया हुआ ना आपने, अच्छा कॉन्वोल किया हुआ है, डेल्टा टी कॉन्वोल्यूशन डेल्टा टी माइनस टू इज डेल्टा टी माइनस टू, बट द आउटपुट इज टाइम वेरियंट इज नॉट सेटिस्फाइड, क्या बोला, एल टी आई कंडीशन, देन हाउ द फॉर्मूला इज ट्रू, कौन सा, मैं समझा नहीं, एक्स टी इक्वल टू डेल्टा टी, आप क्या कहना चाह रहे हो, जरा देखिए इसमें डेल्टा टी कॉन्वोल्यूशन डेल्टा टी, मैं समझा नहीं भाई आपकी बात को, आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे क्लियर नहीं हुआ आपका क्वेश्चन, डेल्टा टी कॉन्वोल्यूशन डेल्टा टी माइनस टू इज डेल्टा टी माइनस टू, ये करेक्ट है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हो आप बताओ, ये कह रहा है इनपुट को डेल्टा टी कॉन्वोल्यूशन डेल्टा टी माइनस टू इज डेल्टा टी माइनस टू, ये आपने ठीक लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बोला, उसके बाद आपने बोला बट द आउटपुट इज टाइम वेरियंट, ये कैसे कह सकते हो आप, आउटपुट इज टाइम वेरियंट, ये कैसे कह सकते हो, आपको कैसे पता चला टाइम वेरियंट है, यहाँ से थोड़ा ना आपको आउटपुट टाइम वेरियंट पता चलेगा, ठीक है। तो ये तो आपने, अगर इनपुट मेरा डेल्टा टी माइनस टू है तो आउटपुट डेल्टा टी माइनस टू बन जाएगा, अगर मैं इसको इम्पल्स रेस्पॉन्स ले लूँ तो, इसका तो ये मतलब है, इट डजेंट मीन कि आउटपुट मेरा टाइम वेरियंट है, ये कैसे कह सकते हो आप, मुझे क्लियरली समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। सर अर्थ पोटेंशियल जीरो कैसे होता है, अर्थ पोटेंशियल जीरो नहीं होता, उसको हम रेफरेंस मान लेते हैं कई बार, या फिर क्वेश्चन में ऐसे जानबूझ के दे दिया जाता है कि भाई जीरो वोल्ट है इसलिए हम उसको जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन देखना भाई, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन मैंने काफ़ी करवाए क्लास में, ठीक है, उनको जरा सोल्व करना भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो होला आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ, आप एक बार या तो ग्रुप पे भेजिए इसको कॉपी पे लिख के कि आप कैसे कहना चाहते हो, तो इसको आप सोल्व कर लेना भाई, ये जो क्वेश्चन था राजेश वाला ये मैंने सोल्व कर दिया है, आपको बता दिया कि कैसे सोल्व होगा, एक स्टेप मैंने सोल्व किया, एक स्टेप आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट जरा देखिएगा, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है सुनिए, नेक्स्ट सजन ने पूछा है
और सज्जन ने क्या पूछा, जरा देखिए, आपको एक एक ऐसे वाई और एक्स के बीच एक ऐसे कर्व दे रखा है, जरा देखिए। सज्जन का क्वेश्चन है, यहाँ से बी और ए पॉइंट ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ये है बी और यह है ए, और ये पॉइंट है फोर और ये पॉइंट भी फोर है, क्योंकि जो ग्राफ दे रखा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और एक एफ दे रखा है आपको, थ्री एक्स वाई एफ इक्वल टू थ्री एक्स वाई आई कैप प्लस फोर एक्स वाई जे कैप प्लस फोर एक्स वाई जे कैप, ये दे रखा है एफ, ठीक है भाई। और आपसे क्या पूछा है, सुनिए, आपसे पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द कार्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये कह रहा है ए से बी पे मूव करना है मुझे, इधर से इधर जाना है, तो आपको बताना है वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एल, ये होता है वर्क डन, डी डब्ल्यू, ठीक है भाई। अब आप बताइए डी एल कार्टीजन में क्या बनेगा, वो बनेगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो आप बताओ एफ डॉट डी एल क्या बनेगा, एफ डॉट डी एल विल बी इक्वल टू, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, थ्री एक्स वाई डी एक्स प्लस बोलिए फोर एक्स वाई डी वाई। अब बोलिए मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, यहां पे ये x है भाई, ये y है, तो बोलिए पहला x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो थ्री एक्स वाई डी एक्स, और x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां पे x की वैल्यू 4 है, यहां पे x की वैल्यू 0 है, तो 4 टू 0 प्लस इंटीग्रेशन फोर एक्स वाई डी वाई, और y कहां से कहां तक है, यहां पे y की वैल्यू 0 है और यहां पे x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू 4 है यहां पे, इसको सोल्व करना है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये y जो है x का फंक्शन है, y को आप कॉन्स्टेंट नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि ये सर्कल है, और सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस 4 स्क्वायर। तो यहां से y की जो वैल्यू आएगी, y विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे आप पुट कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो, जरा देखो यहां से y dx निकाल लो क्या बनेगा, कैसे, आप अगर मान लीजिए मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं, इसका डेरिवेटिव ले लूँ, तो उससे भी कर सकते थे वैसे, वो लंबा जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी पूछा गया, प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डी एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, वाई की वैल्यू पुट कर दोगे, तो पूरी तरह एक्स में बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो वाई की वैल्यू पुट कर दोगे, तो पूरी ये एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, तो पूरी तरह से वाई में बन जाएगा, और फिर आप इसको सोल्व कर सकते हो, उससे निकाल सकते हो। या फिर एक तरीका और भी है, क्या हम जानते हैं सर्कल की ये इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन ये है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बनेगा टू एक्स प्लस 2y x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहा हूं ना भाई, 2y dy by dx इज इक्वल टू क्या बन गया, 0। तो यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया 2x प्लस 2y dy by dx इक्वल टू 0। तो यहां से बन गया मेरे पास, एक बार चेक करो मैंने सही लिखा है क्या, अगर मैंने x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया तो ये बना, ठीक है। अच्छा अब यहां से क्या बनेगा बताओ जरा, यहां से मैं लिख सकता हूं 2x dx is equal to minus 2y dy, इस तरह से मैं लिख सकता हूं भाई। तो अब जरा देखिए यहां पे क्या है बताओ, यहां पे आपका x dx है और ये y है, तो इस x dx को किस में चेंज कर सकते हो, y dy में चेंज कर सकते हो, पूरी तरह से y में आ जाएगा ये। सिमिलरली यहां पे जो y dy है उसको x dx में चेंज कर सकते हो, पूरी तरह से x में आ जाएगा, और इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो, उससे ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक बार चेक करना इसको, इस तरह से सोल्व करके देखिएगा, इजीली सोल्व हो जाएगा, आपको ये निकालना है बस, ठीक है। या फिर आपको मैंने तरीका बता दिया, y की वैल्यू जो है वो यहाँ से निकाल के आप पुट कर दो, x की वैल्यू जो है यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से निकाल के आप y की टर्म में पुट कर दो, और उसके बाद उसको आप इंटीग्रेट कर दो, उस तरीके से आपका ये सोल्व हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन में मैंने करवाया हुआ है, ये रिसेंट ईयर में पूछा गया था ऐसा ही क्वेश्चन एक, ठीक है, तो उसको भी मैंने सोल्व किया था उसको, ठीक है, वो चीज़ आप देखिएगा। अच्छा फिर है योगेंद्र चौहान, योगेंद्र चौहान ने मुझसे पूछा है, एक आपको दे दिया है कोई SFG दिया हुआ है, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है, उसमें कुछ इस तरह का दिया हुआ है भाई, जो जो फ्लो ग्राफ दे रखा है वो मैं बता देता हूँ। तो इनका क्वेश्चन ये है कि जब आप डेल्टा निकाल रहे हो तो आपने तीन लूप क्यों नहीं लिए, एक इस तरह का है, एक इस तरह का है, उसके बाद गैप है, फिर ऐसे एक ऐसे है और एक ऐसे है, देखिए भाई कुछ इस तरह का, ठीक है, ये ऐसे दे रखा है। तो ये कह रहा है डेल्टा निकालते टाइम आप वन माइनस ऐसे इंडिविजुअल लूप लेते हो, फिर प्लस लेते हो, फिर दो दो लूप जो आपस में नॉन टचिंग है वो लेते हो, और फिर ये कह रहे हो कि तीन लूप जो नॉन टचिंग है वो लेते हो, तो आप ये कह रहे हैं कि तीसरा ये क्यों नहीं लिया आपने, तो ऐसे तीन लूप है ही नहीं जो आपस में नॉन टचिंग हो,
ऐसे कोई भी तीन लूप है ही नहीं जो नॉन टचिंग हो, तो उनका ग्रुप बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तीन लूप वाला जीरो, सिंपल बात है। तो आप जरा फॉर्मूला फॉलो कीजिए भाई, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैंने वो चीज़ नहीं ली है। ठीक है, अगला जरा देखिए भाई, नेक्स्ट जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ जी, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है प्रभुनाथ यादव। प्रभुनाथ यादव ने क्या बोला है, आपको एक कैपेसिटर है उसमें करंट की वेव शेप दे रखी है। ठीक है, जरा देखिए, कैपेसिटर में करंट की वेव शेप दे रखी है कुछ इस तरह की, ये कुछ वेव शेप दे रखी है, और ये है 5 मिली एम्पियर और ये 4 सेकेंड है, ये 5 मिली एम्पियर है भाई। ये कोई कैपेसिटर है उसमें करंट की शेप दे रखी है और 4 मिली सेकेंड, ये है मिली सेकेंड। आपसे क्या पूछा है, कैपेसिटर वोल्टेज की शेप कैसी आएगी। तो आप बताओ, अगर इसको लिखोगे तो इसका स्लोप आएगा एक एम और इंटू टी, एम टी, ये इक्वेशन बनेगी, और इसके बाद जीरो। तो आप बताओ, जो कैपेसिटर की वोल्टेज होती है वी सी टी, दैट इज वी सी जीरो प्लस 1/C इंटीग्रेशन आई टी डी टी, ये होता है। ठीक है, तो आप बताओ इनिशियल वोल्टेज क्या है मेरी, जीरो प्लस 1/C इंटीग्रेशन, करंट है एम टी, स्लोप इंटू टी कर दो ना, वाई इक्वल टू एम एक्स है ना यार रिलेशन, तो डी टी से यहाँ पे कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 1/C, और एम मेरे पास बाहर आ गया टी स्क्वायर बाई टू, इसका मतलब पैराबोलिक बनेगा भाई, इस तरह का आएगा यहाँ तक, कहाँ तक, 4 तक, इसको देख लेना। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे ये वोल्टेज अब इतना बन जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी इस पे आप निकाल लेना। ठीक है, 4 पुट कर देना, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद करंट हो गया जीरो, इसका मतलब कैपेसिटर में कोई करंट नहीं आ रहा, और करंट का मतलब होता है चार्ज, इसका मतलब कैपेसिटर में ना कोई चार्ज आ रहा है ना कोई चार्ज जा रहा है। तो चार्ज अगर आएगा नहीं जाएगा नहीं, तो इसका मतलब वोल्टेज क्या हो जाएगी मेरी, कॉन्स्टेंट, क्योंकि चार्ज मेरा फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ना तो आ रहा है ना चार्ज जा रहा है, करंट आ जा नहीं रहा, करंट का मतलब चार्ज ही तो होता है, तो चार्ज इसका मतलब ना तो आ रहा है ना जा रहा है, इसका मतलब वोल्टेज क्या हो जाएगी मेरी, कॉन्स्टेंट। तो ये जो है ये ग्राफ बनेगा भाई, यही ग्राफ आपसे पूछा था कि कौन सा ग्राफ होगा, तो आंसर जो है इसमें बॉम्बे आंसर करेक्ट है आपका। ठीक है ना, आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन है, द सिस्टम विद इनपुट इज रिलेटेड एस, आपको एक सिस्टम दे रखा है उसमें इनपुट दे रखी, सिस्टम विद इनपुट xn एंड आउटपुट yn इज रिलेटेड एज yn इक्वल टू 0.4 y ऑफ, बोलिए y ऑफ n माइनस 1, y ऑफ n माइनस 1 प्लस xn। ये कह रहा है ये सिस्टम कैसा होगा, लीनियर कोजल, नॉन लीनियर कोजल, नॉन लीनियर नॉन कोजल, या लीनियर नॉन कोजल, बताइए भाई कैसा होगा ये बताइए, ये कैसा होगा सिस्टम, बोलिए, मुझे लगता है ये तो आप सब लोग कर सकते हो, बोलिए भाई ये कैसा होगा सिस्टम, लीनियर कोजल होगा कि नॉन लीनियर कोजल होगा, या ये बताइए भाई कैसा होगा, जल्दी करें, जल्दी बताइए भाई, बोलिए कैसा होगा, जल्दी बताओ भाई कैसा होगा, ये लीनियर कोजल, नॉन लीनियर कोजल, कैसा होगा, ऋतिक यदुवंशी, ऋतिक यदुवंशी, ई एक्सपोनेंशियल जे कोस टी, ये मैंने बताया आपको। ठीक है, सजन कुमार ने बोला है सर वो जो सर्कल वाला है वो वो सिलेंड्रिकल में जल्दी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सिलेंड्रिकल से भी आप उसको कर सकते हो। हाँ जी, कोजल सिस्टम समझा दो, आपने ये पूछा, कार्तिकेय ने बोला है सर ये कोजल कैसे होगा, कोजल में क्या होता है सुनिए, प्रेजेंट आउटपुट मान लूं, ये मेरी आउटपुट जो है ये प्रेजेंट पे है। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो एन इक्वल टू 1 पे अगर मैं बोल रहा हूं कि प्रेजेंट आउटपुट आ रही है, तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो एन इक्वल टू 1 पे मतलब एक्स 1 की इनपुट पे डिपेंड कर रही है, और एक किस पे, एन की वैल्यू 1 पुट करने से वाई जीरो उस पे डिपेंड कर रही है। जो मेरी वाई 1 है, अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो वाई 1 किस पे डिपेंड कर रही है, वाई जीरो और एक्स 1 पे। इसका मतलब अगर मैं टाइम लाइन पे देखूं, तो मैं यहां पे आउटपुट ले रहा हूं, और वो किस पे डिपेंड कर रही है, इनपुट जो 1 पे ही हो रही है उस इनपुट पे डिपेंड कर रही है, और कहां पे डिपेंड कर रही है बताओ जरा, जो 0 पे जो मेरी आउटपुट है, 0 पे जो मेरी आउटपुट है उस पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब प्रेजेंट आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे, इस जगह पे जो इनपुट हो रही है उस पे, और पास्ट आउटपुट पे उस पे डिपेंड कर रही है। तो ऐसे सिस्टम तो प्रैक्टिकल होते हैं जो पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करें, जो पहले आउटपुट आ चुकी है उस पे डिपेंड करें, और जो कोई प्रेजेंट में इनपुट दे रहा है उस पे डिपेंड करें। ऐसे सिस्टम प्रैक्टिकल होते हैं, ये कोई फ्यूचरिस्टिक सिस्टम नहीं बना, ये प्रैक्टिकल सिस्टम है, तो प्रैक्टिकल सिस्टम कोजल होते हैं। ठीक है,
कॉजल सिस्टम क्या होता है, जो फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड ना करे, फ्यूचर की कहानी आगे जब आओगे, जैसे आपसे कोई बोले, आप कोई बंदा ऐसा हो कि इस फैन को अगर मैं बोलूं जो ऊपर चल रहा है, उस फैन को मैं बोलूं चलो भाई तुम घूमना अभी शुरू कर दो, इनपुट मैं तुम्हें 10 साल बाद दूंगा, सप्लाई वोल्टेज सप्लाई मैं तुम्हें 10 साल बाद दूंगा, हवा देना मुझे अभी शुरू कर दो, ऐसा थोड़ी ना होगा, बिकॉज ये कॉजल सिस्टम है, इसमें जो आउटपुट है, जो प्रेजेंट आउटपुट है, प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करेगी, या फिर पास्ट इनपुट पे डिपेंड करेगी, या फिर पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड कर सकती है। तो आप जरा देख सकते हो ये प्रेजेंट आउटपुट है जो है यहाँ पे आप ले रहे हो, ये किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेजेंट इनपुट पे जो यहाँ पे हो रही है, और पास्ट आउटपुट आउटपुट दी होगी, पहले कोई आउटपुट आ चुकी है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कॉजल बन जाएगा, ठीक है, नॉन लीनियर बनेगा भी। क्यों नॉन लीनियर बनेगा, बिकॉज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट टर्म आ गई है 0.8, वो एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगी, इसलिए नॉन लीनियर आ जाएगा भी, ठीक है ना। बोलिए कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन मेरा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, लंबोदार पटेल ने क्वेश्चन नंबर 8 DPP का बोला है, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक इस तरह का एक सिग्नल दिया हुआ, जरा देखिए, ये मेरे पास कोई वोल्टेज सिग्नल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक DC सोर्स है, और ये जो वोल्टेज सिग्नल है ये कुछ इस तरह का है, ये मैंने करवाया हुआ अभी, हाँ जी आप देख पा रहे हैं सब लोग, बोलिए भाई। आप देख पा रहे हैं, हाँ वी चीज में वीडियो कट हो रहा है थोड़ा सा, उसका टेक्निकल एरर आ रहा है भाई, ठीक है, ये कल भी आ रहा था, तो थोड़ा थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रहा है। हाँ जी जरा देखिए, तो उन्होंने क्या पूछा है, सुनिए जरा देखिए, उन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर ये था 8, DPP नंबर मैं बता देता हूँ, ये आई थिंक DPP इन्होंने पता नहीं कौन सी दी है। तो इसमें क्या पूछा था सुनिए, इसमें पूछा था द वेवफॉर्म ऑफ VT, द वेवफॉर्म ऑफ VT इज शोन बिलो, आपसे पूछा था द पावर एब्जॉर्ब बाय 4 ओम, ये कह रहा है 4 ओम में पावर एब्जॉर्ब आपको बतानी है ये, और ये है मेरा VT, ये कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू थी, ये 20 वोल्ट था, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू रही होगी, ठीक है। इनका कहना ये है कि करंट के RMS से भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, करंट के RMS किसने रोका है, वेवफॉर्म बनाओ करंट की, पहले वेवफॉर्म बनाओ और वेवफॉर्म फिर उसके RMS वैल्यू निकाल लो करंट की वेवफॉर्म का, और IRMS का स्क्वायर इनटू R कर दो, उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आप कीजिए ना। तो उन्होंने यही बोला है, लेकिन जो मैंने किया है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आइए करमवीर कुमार ने अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई, जरा देखिए, आपको एक ऐसे ये दे रखा है, हाँ जी, और यहाँ पे आपको सप्लाई दी गई है, और ये जो सप्लाई है दिस इज ये जो सप्लाई दे रखी है, ये दे रखी है 100 एंगल 0, दिस इज 100 एंगल 0, और इसका जो इम्पीडेंस है इधर रेफर करने पे क्या बन रहा है सुनिए, ये 100:50, अभी यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 25 है, ठीक है, और डॉट कन्वेंशन आपको दे रखा है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, ठीक है, इस तरह का दे रखा है, 4+j8 यहाँ पे है, और ये रेफर्ड है भाई, ठीक है ना, और ये है 32+j32, ये इधर है, ये इधर रेफर करने पे है, ये इधर रेफर करने पे, ये तो आपसे पूछा ये करंट क्या आएगा, ये तो बहुत आसान हो गया, कैसे बताइए, पहले ये बताओ ये करंट कितना आएगा, ये करंट कितना आएगा, डॉट से जो लीव कर रहा है वही डॉट में यहाँ पे एंटर करेगा, तो ये करंट कैसे निकालोगे, यहाँ से आपका निकल आएगा मेरे ख्याल से, ये जो करंट आएगा ये आएगा 100 एंगल 0 डिवाइड बाई 4+j8, तो कितना बन जाएगा 100 एंगल 0 डिवाइड बाई, बोलिए, ये बन जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 2 समथिंग, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 एंगल, यहाँ पे जो बनेगा 10 एंगल बताइए क्या बनेगा, -10 इनवर्स ऑफ 2, ये करंट आएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, जरा देखा जाए तो एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि J32 प्लस 32, हाँ जी
तो अब जरा देखिए यहां पे तो समझ आ गया कितना करंट है, तो उसको आप अगर इधर रेफर करोगे तो वैल्यू निकलेगी, बट आप बोलोगे सर यहां पे जो करंट आएगा वो भी तो इधर रेफर होगा। बिल्कुल सही बात है, वो भी तो रेफर होगा, देखा जाए तो वो भी रेफर होगा। बट एक बात मैं बता दूं आपको कि यहां पे तो करंट सेम ही रहना चाहिए, बिकॉज दोनों अलग अनइक्वल करंट आएंगे। जरा मैं बताता हूं, पहले वाले से करंट ये आ गया, करेक्ट है। दूसरे वाले से बताओ कितना आएगा, दूसरे वाले से करंट आएगा 100 एंगल 0 डिवाइड बाई 32 रूट 2 एंगल 45 डिग्री, ठीक है। और इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये बनेगा 100 बाई 32 रूट 2 एंगल माइनस 45 डिग्री, ठीक है भाई। अब बताइए यहां पे अलग करंट आ रहा है, यहां पे अलग करंट आ रहा है, तो रेफर करोगे तो ये दोनों करंट सेम नहीं आएंगे। इसका 4 टाइम्स होगा इधर, इसका इधर 4 टाइम्स होगा, और इसका इधर डबल होगा। जो ये करंट आ रहा है ये डबल होगा, ये 20 बन जाएगा, और इसका 4 टाइम्स होगा। बट ये करंट तो दोनों केस में बराबर आना चाहिए, बट बराबर तो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम कैसे निकालें करंट की वैल्यू क्या होगी, जरा सोचिए। बोले भाई करंट की वैल्यू अब इस केस में कैसे निकालोगे, सुनिए इसने क्या किया है। फॉर ईच ऑफ द ट्रांसफार्मर द इम्पिडेंस गिवन इज दैट इज रेफर टू हाई वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड इम्पिडेंस है ये। इसका मतलब ये 100 वोल्ट वाली साइड है, ये 32 प्लस जे 32 वाले साइड का इम्पिडेंस है। आपको बताना है ये करंट क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब ऐसे केस को हम कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे केस को इतना इजिली सोल्व नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसमें नो लोड पे कोई ना कोई करंट होगा। नो लोड पे कितना करंट होगा, एक्साइटिंग करंट, वो आपको देखना पड़ेगा कितना होगा, क्योंकि ये जो करंट है ये सेम होगा। अब आप यहां पे निकाल नहीं पाओगे उस करंट को, क्यों नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज दोनों से अलग अलग आंसर आ रहा है ना भाई, यहां से अलग आंसर आ रहा है, यहां से अलग आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो सेम आना चाहिए दोनों से, सेम तो नहीं आ रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है। तो इसका मतलब नो लोड पे ये कुछ एक्साइटिंग करंट ले रहा है जो इस करंट में ऐड हो गया है, जो ये करंट आ रहा है इसमें एक्साइटिंग करंट भी ऐड हो रहा है, जो सेकेंडरी साइड नहीं जा रहा, केवल प्राइमरी साइड रह रहा है। सिमिलरली इसमें भी क्या हो रहा है, नो लोड पे कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करंट आ रहा है जो इधर नहीं जा रहा, केवल इधर ही आ रहा है। अब वो करंट मुझे पता नहीं है कितना है, उसको जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो मैं इस करंट को आई मान लेता हूं, एक मिनट के लिए सोचिए। अगर ये करंट आई है तो इधर की तरफ रेफर करोगे तो क्या बन जाएगा, इधर वोल्टेज मेरी डबल हो रही है तो करंट हाफ हो जाएगा, इसका मतलब इधर आ जाएगा आई बाई टू। तो आप ये बोल सकते हो आई बाई टू प्लस इसमें जो एक्साइटिंग करंट आएगा आई ई, दैट इज 10 एंगल माइनस 10 इनवर्स ऑफ 2, ये बनेगा। और यहां पे भी एक्साइटिंग करंट आएगा, ठीक है, बट यहां का एक्साइटिंग करंट अलग होगा। क्यों अलग होगा बताओ, क्योंकि इसका इंपीडेंस अलग है। तो कुल मिला के आप इसको सोल्व ही नहीं कर पाओगे, इस क्वेश्चन को आप आई को बता ही नहीं पाओगे कि आई कितना आएगा, तो इसको नहीं सोल्व कर सकते हो, बिकॉज आपको एक्साइटिंग करंट पता ही नहीं कि नो लोड पे ये कितना ले रहा है, ये कितना ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। पॉइंट को समझिए भाई, ये क्वेश्चन हमारे लिए महाभारत रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का केस बनेगा। उम्मीद है आपको ये केस समझ आया। अभी आपको जो इम्पिडेंस है, या तो गलती से ये इम्पिडेंस थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, एक में 32 प्लस जो जे 32 दे रखा है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा परेशानी है, इसमें थोड़ा डाउट रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा अभी, ठीक है, इसको आप एक बार देखिएगा, मुझे लगता है इसमें कुछ करेक्शन है क्वेश्चन में। कारमांसू ने क्वेश्चन पूछा है, ये मैं करवा चुका हूँ कारमांसू, आप एक बार देखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो रखा है भाई। हाँ जी, अनिकेत ने एक क्वेश्चन पूछा है जो मैं लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करने वाला हूँ। जरा देखिए क्या क्वेश्चन है अनिकेत का। अनिकेत का जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ ऐसे दे रखा है, ये आपको दे रखा है 16 वोल्ट, ये है आपका 2 ओम, और यहाँ पे 0.9 एम्पियर, और ये डिपेंडेंट सोर्स दे रखा है भाई, दिस इज 10 IX, और ये जो करंट है दिस इज IX, और यहाँ पे आपको 3 ओम दे रखा है, दिस इज 3 ओम, और यहाँ पे लगा हुआ है RL, ठीक है भाई, ये है RL। आपको RL बताना है सो दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। ये क्या क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही फालतू है, मतलब कितनी बार ऐसे क्वेश्चन करवाएं, ठीक है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है। बोलिए भाई, RL को हटा दो, RTH निकाल लो भाई। बोलिए भाई कैसे निकालोगे RTH, इसको आप हटा दीजिए, ओपन कर दो यहाँ से, इसको डीएक्टिवेट कर दो, इसको शॉर्ट कर दो। तो ये क्या है, ये शॉर्ट हो गया, ये ओपन हो गया, और यहाँ से आपको RTH चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 वोल्ट का सोर्स लगा लेते हैं और करंट देख लेते हैं कितना आएगा। दैट 1 वोल्ट डिवाइड बाई दैट करंट इज RTH, वही होगा। तो अब निकाल लो क्या आएगा, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स आ गया ना भाई, तो ये करेंगे। अब आज मुझे बताइए 10 IX मस्ट बी इक्वल टू IX, बोलिए 10 IX मस्ट बी इक्वल टू IX, ये होना चाहिए ना।
तो यहाँ से आई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आई एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, आई एक्स की वैल्यू आएगी जीरो। तो इसका मतलब ये जीरो हो गया, इसका मतलब ये करंट जीरो हो गया, इधर से कोई करंट नहीं आएगा। ये आई एक्स है और ये टेन आई एक्स है, तो टेन आई एक्स मस्ट बी इक्वल टू आई एक्स, तो आई एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो, ये ओपन हो जाएगा। तो आप बताओ आगे का जो आर टी एच नजर आएगा वो तो तीन ही आएगा बस, सिंपल ठीक है। तो आर टी एच इज तीन, आर टी एच आगे तीन, तो आर एल जो लगाओगे वो भी कितना लगाओगे फिर, वो भी आपका थ्री ओम लगेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत आसान था भाई, उम्मीद है आपको समझ आया क्वेश्चन, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं तो उनको मैं आज नहीं ले रहा हूँ, समय हो गया अभी, मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया है। तो बोलिए भाई सर, क्या 50 क्या आएगा सर, 8.944 एट 63, क्या चीज़ क्या है करंट आप कह रहे हो, नहीं 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 10 बनेगा भाई, 10 और डिवाइड बाय 100 करोगे तो 8.94 कैसे बन जाएगा भाई, प्रयाक्सी ने बोला है, प्रयाक्सी ये इसमें 8.94 कैसे आ जाएगा, 4 प्लस जे 8 तो 8, 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 100 होता है ना, और 100 का रूट लोगे तो 10 बनेगा, 10 10 इन्वर्स ये बनेगा, ऊपर 10 आएगा भाई यहाँ पर करंट 10 आएगा, बट आप इसको सोल्व ही नहीं कर सकते हो ना, इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकते हो बिकॉज दिक्कत आ रही है ना इसमें, ठीक है। लास्ट वाली लिम में 100 वोल्ट नहीं आएगा, हाँ यहाँ पे 100 वोल्ट कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन यही है ना, यहाँ पे 100 वोल्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छी बात है आप ट्रबल शूट कर लेते हो क्वेश्चन को तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है भाई, ठीक है ना। चलिए एक एम्पियर का करंट सोर्स लेके आर टी एस लगाओ, अगर मैं एक एम्पियर का करंट सोर्स लेकर करूंगा तब भी वही बनेगा, आई एक्स तो जीरो हो गया, तो आई एक्स जीरो का तो इधर ये पूरी ब्रांच हट जाएगी, एक एम्पियर सारा का सारा इधर आ जाएगा, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो 3 वोल्ट आएगी और करंट है 1 एम्पियर का, तो आर टी एस 3 आएगा और वही मेरा आर एल हो जाएगा, ठीक है ना। सर वो ट्रांसफॉर्मर वाले क्वेश्चन में लास्ट लिम में वोल्टेज 50 वोल्ट आएगा ना, नहीं यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 25 ही ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अगर ये लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ गई ना, देखो ये 25 और ये 50 ये पैरेलल में कैसे लगा दिए, अगर पैरेलल में लगाओगे तो कुछ इंपीडेंस दिखाना पड़ेगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो इस क्वेश्चन को मतलब ऐसा हो सकता है इस क्वेश्चन को मैं ऐसे रिप्लेस कर दूं, मतलब अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको इक्वली हाफ हाफ कर दो दोनों तरफ, मैं इसको एक सोर्स से रिप्लेस कर रहा हूं, जरा देखो मैं इसको इस तरह से कर रहा हूं, ये ट्रांसफॉर्मर का मशीन का क्वेश्चन बन जाएगा फिर, ठीक है। यहां पे एक सोर्स से रिप्लेस कर रहा हूं और जिसका जो इंपीडेंस है वो है 2 प्लस j4, इधर मैं 2 प्लस j, इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लेता हूं, 2 प्लस j4 इधर का है और 2 प्लस j4 इसका रेफर टू प्राइमरी साइड है, तो जब मैं इसको उधर रेफर करूंगा तो 1/4 हो जाएगा ये। दूसरी तरफ का अगर मैं देखूं तो ट्रांसफॉर्मर के जो दूसरी तरफ है वोल्टेज है मेरी 50 वोल्ट की, ठीक है, और जो इंपीडेंस है वो 2 प्लस j4 का 4th time लो कम हो जाएगा, मतलब आप इसी के स्टूडेंट इसको छोड़ सकते हैं भाई। तो इसको आप इस तरह से दिखा सकते हो, मतलब मैंने इसको ब्रेक कर दिया, यहां पे अंदर की जो वोल्ट है, अब वो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है, ये 100 वोल्ट जो है ये पता नहीं अंदर की है कहाँ की है, बाहर से भी 100 वोल्ट दे रहा है ये और अंदर की वोल्टेज भी अगर हम 100 ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको ऐसे बोलोगे फिर करंट नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है भाई, इसको आप ऐसे सोल्व नहीं कर पाओगे, इंपीडेंस को हम ऐसे रेफर नहीं कर सकते, या हाफ ऑफ करके करें भी तब भी हमें इनकी वैल्यू नहीं पता चल रही है, अगर वैल्यू पता भी चल जाए तब भी हम सोल्व कर सकते हैं, और अगर आइडियल केस लेके चलेंगे तो ये 50 और ये 25 कभी भी पैरेलल में नहीं आ सकते क्योंकि अनइक्वल वोल्टेज होगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं इनका इंटरनल इंपीडेंस दिखाऊं तो दिखा सकता हूं, ये 50 दिखा दो और इधर इसका ये दिखा के यहाँ पे 25 दिखा दो, बट एक प्रॉब्लम है फिर ये करंट तो आ जाएगा इससे, बट हमें ये नहीं पता कि यहाँ के वोल्टेज क्या है, क्योंकि यहाँ के वोल्टेज से ही ये बनेगा, यहाँ की वोल्टेज अगर मैंने 100 ले ली तो इधर भी 100 है मेरे पास, फिर तो करंट नहीं आएगा इसमें, करंट जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में टेक्निकल एरर है कुछ, ठीक है, इसमें कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो इसको आप समझिए कि क्या इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। हाँ जी बोलिए भाई, कोई दिक्कत है तो। सर 4 प्लस j8 का मैग्नीट्यूड, 4 प्लस j8 का इतना कैसे हो जाएगा, 8 8 64 4, ओहो मैंने गलती कर दी भाई यहाँ पे, ठीक है वो कोई बात नहीं, ये 10 नहीं होगा, ठीक है भाई मैंने गलत लिख दिया 10, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने 6 अज्यूम कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस j8 का, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 point something कुछ आ जाएगा, कोई बात नहीं वो ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इसको सोल्व कैसे करोगे, आप सोल्व कर ही नहीं पाओगे, इसमें टेक्निकल इशू है भाई। नो लोड करंट आपको देना चाहिए, उससे आप कर सकते हो, ठीक है, और वैसे भी आपको यहाँ की वोल्टेज पता नहीं है मुझे, ठीक है, यहाँ की वोल्टेज क्या है मुझे ये पता नहीं है, 100 अगर ये है और इसको भी 100 मान लोगे तो फिर करंट कैसे आएगा,
फिर ये दिक्कत हो जाएगी, फिर तो इधर भी कोई करंट नहीं आएगा, वहाँ पे फंस गए फिर हम। अच्छा, इसको अगर मैं 50 मान लूँ और इसका इम्पीडेंस ऐसे कर दूँ तो ये करंट निकल सकता है उस केस में, बट फिर बाहर से फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा फिर ये उसको, ठीक है। तो ये कई तरह की इसमें दिक्कत आ रही है भाई, ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट। सर, अगर इंडक्टर की वोल्टेज की एवरेज वैल्यू जीरो हो तो ही उसमें फ्लो होने वाला करंट पीरियोडिक होता है। इंडक्टर में एवरेज वोल्टेज अगर जीरो हो तो करंट पीरियोडिक होगा। हाँ जी, ये ठीक कह रहे हो आप, ठीक है, ये आप सही कह रहे हो, ठीक है, अदरवाइज पीरियोडिक नहीं होगा। अगर एवरेज वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस और पॉजिटिव है तो करंट राइज होता चला जाएगा। अगर एवरेज वोल्टेज मेरी नेगेटिव है इंडक्टर के अक्रॉस तो करंट फॉल होता चला जाएगा, ठीक है, ये केसेस आएंगे। एक्साइटिंग करंट का मतलब बता दो, आपको बाद में पता चल जाएगा, ये मैंने जबरदस्ती ये क्वेश्चन ले लिया है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये मशीन का क्वेश्चन था, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है भाई। बोलिए भाई, अभी तक कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, पूछिए भाई। आज के जो क्वेश्चंस थे उनमें शुरुआत का जो, जैसे कल मैंने होमवर्क दिया था वो एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, उसको देखिएगा। इनर लूप में वोल्टेज डिफरेंस है, दिस इज इनकरेक्ट। हाँ जी, वही, ये करेक्ट नहीं है भाई, इसको आप दिल पे मत लो, ठीक है ना, छोड़ दीजिए। तो इसमें कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन बनाया उनको आप बोलिए कि थोड़ा बहुत इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ठीक है ना, तो वो ठीक कर देंगे जिनका भी ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको समझ आया भाई आज का जो एपिसोड है वो, और इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस लिए, उन सब क्वेश्चंस को देखिए। शुरुआत में जो एनर्जी वाले जो कॉन्सेप्ट थे वो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे भाई, उनको भी आप एक बार देखिएगा। एंड आफ्टर दैट हमने और भी कई सारे क्वेश्चंस लिए, खासकर जो एच पैरामीटर वाला था वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था। फिर जो फ्रीक्वेंसी वाला जो क्वेश्चन था जिसमें आर और एक्स वाला कंसेप्ट दे रखा था वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था, तो उन सबको देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया भी। तो आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात क्या है आप जानते हो सब लोग, इम्पोर्टेंट क्या है बताइए। इम्पोर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दूसरा, ये QR कोड है, इसको स्कैन कर लीजिएगा, और हमारी जो ऐप का नाम है वो CES लर्निंग है, गूगल प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पे आप डाउट पोस्ट कर सकते हो, हम आपको डाउट का जो ग्रुप है उसमें ऐड कर लेंगे, वहाँ से आप डाउट पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रथमेश ने बोला, अगर चार्ज्ड इंडक्टर सडनली ओपन किया है तो इंडक्टर रिलीजेस कैसे करेगा एनर्जी इफ देर इज नो रजिस्टर। क्या कह रहे हो, अगर चार्ज्ड इंडक्टर सडनली ओपन किया है, हाँ, अगर चार्ज्ड इंडक्टर, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है और अगर आपने उसको सडनली ओपन कर दिया तो उसमें क्या होगा, जो एयर गैप होता है उसमें स्पार्क होता है, ठीक है, और एयर का रजिस्टेंस होता है अपना। अब एयर के रेजिस्टेंस में फिर वो हीट लॉस होती है, वो स्पार्क में लॉस होती है, हीट लॉस उसमें होती है, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर में भी आप कह सकते हो, कैपेसिटर में भी ऐसा ही होता है, जो स्विच होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत हीट लॉस होती है। तो पिछले क्वेश्चन में आप ये भी बोल सकते हो हीट लॉस भी होगी, जो आपको एक क्वेश्चन दिया था ना कैपेसिटर वाला, आप सही कह रहे हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत हीट लॉस होगी, हीट लॉस भी होगी भैया एनर्जी, आप वो पॉइंट आपने सही बोला है, ठीक है। प्रथमेश कुलकर्णी ने बोला ये, थैंक यू, आपने अच्छा बताया है पॉइंट। जब इंडक्टर को ओपन करते हैं तो वो जो बेशक आइडियल इंडक्टर ले लो, उसमें मान लीजिए करंट सेटअप हो रखा है और आप ओपन करोगे तो जो एयर गैप होती है, तो एयर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, उसमें स्पार्क होता है, ठीक है, वो ओपन नहीं होने देता ना, तो सारी एनर्जी उसमें डिसिपेट होती है। ऐसे ही अगर आप कैपेसिटर लेते हो तो कैपेसिटर अनचार्ज्ड वैल्यू को उनको जोड़ते हो, तो जैसे जोड़ते हो उससे पहले एक स्पार्क होता है, ठीक है, तो वो जो स्पार्क है उसमें हीट लॉस होती है, ठीक है। तो वहां पे आप ये भी बोल सकते हो हीट लॉस होगी, और जो करंट है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जाएगी, क्योंकि करंट इंपल्सिव है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी निकलेंगी, वहां पे भी एनर्जी का लॉस होगा। तो दोनों केस आपके ठीक है भाई, मतलब जो कैपेसिटर की एनर्जी जो चेंज होगी वो उस रीजन से होगी, ठीक है, दोनों केस में आपकी एनर्जी लॉस होगी। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। बोलिए भाई, और कोई डाउट हो आपको आज की क्लास में, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, पूछिए कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, और नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। कल आपको सिग्नल की DPP नंबर 2 मिल जाएगी, उसको आप देखिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मिलते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है अपने इसमें, क्योंकि बीच बीच में वीडियो रुक रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि अगर ये ठीक हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि ये एक दो दिन में ख़राब ना हो जाए, तो दुआ कीजिए कि ये बना रहे और अपना जो क्लासेस हैं वो चलती रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही भाई, काफ़ी समय हो गया है, नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो मिलते हैं फिर, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।